करना है इकोनॉमिक सिस्टम, उससे पहले सिर्फ 5 मिनट हैं, रिवाइज कर लें जो प्रीवियस आप लोगों ने डिस्कस किया था, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं जो पीपीसी वाला आप लोगों ने डिस्कस किया था। और दूसरे नंबर पे वो हैंडआउट ओपन कर लीजिएगा जो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस था ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स वाला। तो 5 मिनट हैं, रिवाइज कर लें, आपके बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले प्रीवियस, उसके बाद फिर आगे फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले पिछले वाला एक लेक्चर देख लें पीपीसी में, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है 5 मिनट है आपके पास, रिवाइज कर लें, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन करने हैं उसके अंदर से।
जी बेटा, पहले जो क्वेश्चंस हैं मैं उनका आंसर कर दूं, फिर आप लोगों से कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, इसको मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा किसी दूसरे के रिस्पेक्टिव होती है। मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमेशा किसी दूसरे के रिस्पेक्टिव होती है। चलें, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है, मैं इसके लिए कुछ आसानियां पैदा कर देता हूँ। यानी मैं आपसे जनरल टर्म में बात करते हैं हम लोग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला ये टॉपिक था। फर्स्ट करें, इस वक्त आप क्लास पढ़ रहे हैं, इस वक्त आप क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इस वक्त क्लास ना पढ़ रहे होते, मोबाइल यूज़ कर रहे होते, अगर इस वक्त क्लास नहीं पढ़ रहे होते तो मोबाइल यूज़ कर रहे होते, इसका मतलब ये हुआ क्लास पढ़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मोबाइल यूज़ करना। जो काम आप नहीं कर रहे ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। चलें, मैं इस वक्त आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इस वक्त आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं क्लास ना पढ़ा रहा होता इस टाइम, तो मैं क्रिकेट खेल रहा होता। फर्ज एक एग्जाम्पल किया मैंने, तो इसका मतलब है क्लास पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? क्रिकेट खेलना। इसी तरह अगर कुछ बच्चे मॉर्निंग टाइम लाइक जॉगिंग करते हैं, अगर वो जॉगिंग ना कर रहे होते, लाइक वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते, तो जॉगिंग करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ब्रेकफास्ट करना। अब इसी एग्जांपल पर आ जाते हैं। एक मुल्क क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है वीट प्रोड्यूस नहीं ना कर रहा, तो क्लॉथ प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? क्लॉथ प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो चीज़ वो छोड़ रहा है, जो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, टू प्रोड्यूस वीट। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा दो चीज़ों की होती है। दूसरी एक और एग्जांपल समझ लें। हमारे जो गवर्नमेंट है वो ये सोचती है कि जी एजुकेशन को बेहतर किया जाए या हेल्थ को बेहतर किया जाए। फॉर एग्जांपल वो हेल्थ को बेहतर कर रही है, जो आजकल ज़रूरत है, एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर हेल्थ को बेहतर किया जा रहा है, जितना पैसा हेल्थ पर लगा रहे हैं, इसका मतलब है हेल्थ पर काम करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो काम नहीं कर रहे, एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर रहे। जो काम कर रहे होते हैं हमेशा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है दूसरे के अगेंस्ट, उसके मुकाबले में। जो काम आप कर रहे हैं क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे, वीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे या वीट पर छोड़ रहे हैं, फॉरगो कर रहे हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं कि वो क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन टर्म ऑफ वीट। अब क्लियर हुआ बेटा? एक और बच्चे ने सवाल पूछा है, डिमिनिशिंग का दोबारा बता दें। डिमिनिशिंग और सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेटा बताया है टू बेस्ट अल्टरनेटिव। एक चीज़ अगर आप अटेन करते हैं तो उसके बदले आपको कोई चीज़ फॉरगो करनी पड़ती है, तो बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन। ये ना वैसे डेफिनेशन लिखी भी हुई है, तो नोट्स भी मैंने इसीलिए आपको जो है वो सेंड किए थे। ठीक हो गया बेटा? ओके, एक और क्वेश्चन है बच्चे का, उसका भी मैं रिप्लाई कर दूं। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी क्या होता है, इसको ज़रा देख लें। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी में होता है बेटा कि अगर तो आप कर्व पूरे का पूरा शिफ्ट कर जाते हो, इसका मतलब है पूरी की पूरी शिफ्टिंग हो जाती है। वहां पर आपको लॉजिक दिए हुए हैं, मैंने जो नोट्स मैंने बना के दिए हैं उसमें लॉजिक लिखे हुए हैं कि पीपीसी कर्व राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा, क्या वजूहत हो सकती है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, लेबर बढ़ जाए, ग्रोथ हो जाए, पीपीसी कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह पीपीसी डाउनवर्ड भी आ जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग है, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग है। तो ये कंप्लीट शिफ्टिंग के वाले से हम इसमें डिस्कशन करते हैं। ठीक हो गया बेटा? नेक्स्ट आ जाते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये होता है, रिटर्न का मतलब होता है पैदावार। अगर आप कोई काम करते हैं और वो कारोबार में किसी लेवल पर जाकर आपको नुकसान हो जाता है, जैसे कोविड में सारे कारोबार को नुकसान हुआ है, तो हम कहते हैं आपका जो प्रॉफिट है ना वो कम हो गया है। आप इकोनॉमिक्स के टर्म में कहते हैं आपके जो रिटर्न है वो डिमिनिश हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। तो ये डिमिनिश रिटर्न का मतलब ये होता है कि डिक्रीज हो जाना। डिमिनिश रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपके जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही आपकी प्रोडक्शन डिक्रीज होती है तो आपका पीपीसी भी शिफ्ट हो जाता है उसकी वजह से। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं।
हाँ बेसिकली पीपीसी हमेशा दो प्रोडक्ट्स के दरमियान में है, ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जितने भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हैं वो हमेशा दो वेरिएबल्स के दरमियान में ही होंगी। जितनी भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान में होंगी, बस इसके बाहर नहीं हो सकती। जितने भी डेफिनेशंस हैं तो यहाँ पर भी हमने दो वेरिएबल लेने हैं, क्लॉथ और वीट ले लें, आप एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लें, आप कॉफ़ी और टी ले लें, कोई भी दो चीज़ों की बात करनी है पीपीसी में, दो से ज्यादा की बात नहीं कर सकते, दो से कम की बात नहीं कर सकते। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर है, आगे स्टार्ट करते हैं। डिमिनिश को भी फिलहाल छोड़ दें, डिमिनिश का मतलब ये होता है आपकी प्रोडक्शन में जब आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है ना, सलसला आ गया, सैलाब आ गया, कोविड आ गया, कोई भी मसला हो गया, उसकी वजह से आपको अगर कारोबार में नुकसान हो जाए तो हम कहते हैं आपके जो रिटर्न है ना वो डिमिनिश हो जाएंगे, आपके जो बेनिफिट्स हैं वो डिमिनिश हो जाएंगे। इसकी मैंने यू एग्जाम्पल दी थी आपको, शायद अगर आपको याद है मैंने कहा था एक टेलर 10 साल से आपके गली महल्ले में जॉब कर रहा है, अब उस बंदे को कहते हैं कि भाई आप ना अपना कारोबार छोड़ो और आप छोड़कर आप फास्ट फूड लगाना शुरू कर दो, फास्ट फूड लगाना शुरू कर दो क्योंकि कोविड आ गया, दुकानें बंद हो गई हैं, तो आप फास्ट फूड का काम कर लो वो बड़ा चलता है। वो बंदा 10 साल से जो काम कर रहा था स्टिचिंग का, टेलरिंग का, अब वो छोड़कर जब फास्ट फूड पर आएगा तो क्या उसकी एफिशिएंसी उतनी रहेगी? हरगिज नहीं रहेगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। उसकी एफिशिएंसी जो कम होती है उसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। हाँ जी, अगर पेपर में सवाल आता है तो एज इट इज आप लोगों ने लिखना है। वेरिएबल आप कोई भी चूज कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि बुक वाले वेरिएबल हों या कोई नोट्स तरह के, इस तरह के कोई वेरिएबल हों। क्लियर, आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर आज का जो हमारा है टॉपिक, हम लोगों ने नोट से कोर्स डिस्कस किए थे, माइक्रो और मैक्रो के हवाले से हम लोगों ने डिस्कशन की थी, जिसको हम ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा था, ये जो आई कैप ने लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली लिख लिया, लेकिन आई कैप ने ना बहुत ज़्यादा लिखा था और पेपर में वो इतना डिमांड नहीं करता। तो सबसे पहले माइक्रो की बात की है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। अब ये दो चीज़ें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, ये करना आपने नोट से है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? मिलियन पार्ट, ये एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है, ये एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है। माइक्रो का मतलब है मिलियंथ पार्ट, मिलियंथ पार्ट का मतलब क्या होता है कि मिलियंथ वाइसा, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है मिलियन पार्ट क्या होता है। उसके बाद फिर डेफिनेशन है, स्टेगलिश एंड बॉश की जो है वो डेफिनेशन है, द डिटेल स्टडी ऑफ डिसीजन ऑफ द फर्म्स एंड हाउस होल्ड एंड ऑफ प्राइसिस एंड प्रोडक्शन इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके वाले से हम ये डेफिनेशन लिखेंगे, और यही डेफिनेशन मैंने नोट्स में भी मैंशन की हुई है। ठीक हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। उसी बंदे ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, उसी बंदे ने। मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट ओवरऑल, ये उसने डेफिनेशन लिखी हुई है, लुक्स द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पार्टिकुलर बिहेवियर और सच एग्रीगेट मेजर, यही बताना। ये मैं ये चाह रहा हूँ जो मैंने आपको नोट सेंड किए हैं वो भी मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, वो भी मैंने आई कैप के अल्फाज को चेंज किया है, क्योंकि पेपर में अल्फाज आपने आई कैप वाले लिखने हैं, इकोनॉमिक्स वाले लिखने हैं, अपनी लैंग्वेज नहीं बीच में यूज़ करते रहना। तो सिर्फ मेन मेन बातें हैं, सिर्फ मोटी मोटी बातें हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं छोटे हिस्से को, अगर हम एक घर की बात करेंगे तो माइक्रो है। जो स्केच बनाया है वो लिख दें, जो स्केच बनाया हुआ ना वो लिख दें आदिल। अच्छा, उसके बाद है बेटा कि मैक्रो का मतलब है ओवरऑल, अगर हम एक घर की बात करेंगे तो माइक्रो है, अगर हम ओवरऑल सारे घरों की बात करेंगे, पूरे शहर की बात करेंगे, पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो मैक्रो है। तो मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट टोटल, और माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक हो गया बेटा, अब उसके बाद अगला है डिफरेंस। अब बेसिकली ना आई कैप में डिफरेंस कम थे तो मैंने नोट्स में डिफरेंस ज़्यादा कर दिए, क्योंकि ये पेपर में 7 नंबर का सवाल भी आया हुआ, तो कम से कम आपके पास 7 नंबर के पॉइंट्स होने चाहिए ना, 7 पॉइंट्स होने चाहिए, तो 7 पॉइंट होंगे तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने देखे वहाँ पर लिखा हुआ है डेरिवेशन, डील्स, फोकस, जो जो पॉइंट्स हैं उसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी सिंपल लैंग्वेज में वो लिख दिए हैं, सिर्फ पॉइंट को एक्सटेंड किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है। स्कोप के मैंने हेडिंग बना दी है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि माइक्रो में किन किन चीज़ों का जिक्र किया जाता है, इसमें
एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जिक्र किया जाता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे कैसे बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइसेस का जिक्र किया जाता है कि इसकी प्राइसेस क्या होंगी, फैक्टर इनपुट्स क्या होंगी, इसकी कीमतें क्या होंगी, उनके वाले से इसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद है फिर तीसरे नंबर पे बेसिक और सिंपल नीड, जो इकोनॉमिक नीड्स हैं ये बेसिक होती हैं। जितने भी कवानीन है ना, जितने भी माइक्रो के कवानीन हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, माइक्रो के जितने भी कवानीन हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। उसके वाले से हम कहते हैं कि ये जो बेसिक नीड्स हैं, ये जो बेसिक आपकी सिंपलिसिटी है वो माइक्रो में होती है। मैक्रो में सिंपलिसिटी नहीं होती, मैक्रो में कन्फ्यूजन होती है क्योंकि मैक्रो में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। माइक्रो में चूंकि हम अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करते हैं इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। लिमिटेशन, ये बड़े आसान से हैं। लिमिटेशन का मतलब है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माइक्रो को पूरा नहीं करती, माइक्रो में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, उसके अकॉर्डिंगली इसने बात की हुई है। अब जाहिर बात है माइक्रो में ओवरऑल डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये पहली लाइन ही लिखी हुई है। माइक्रो में ओवरऑल डिस्कस नहीं किया जा सकता, यानी माइक्रो में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की बात होती है, एग्रीगेट लेवल की बात नहीं होती। दूसरे नंबर पर है माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, मुकम्मल रोजगार के हवाले से जो है वो डिस्कशन की जाती है। स्कोप का मतलब क्या है, स्कोप का मतलब ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या स्कोप है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम गोल्स पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के गोल्स क्या हैं, यानी क्यों पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब है स्कोप, ग्रोथ हासिल हो जाए, हमें प्राइस स्टेबिलिटी हासिल हो जाए, हमें फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल हो जाए, सारे लोगों को रोजगार मिल जाए, तो इसी वजह से हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर एक और बात भी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम इनको दूर करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक पढ़े होते हैं। लिमिटेशन में हमने क्या कहा था, इसकी लिमिटेशन क्या थी माइक्रो की, कि ये ओवरऑल डिस्कस नहीं करती। और दूसरी लिमिटेशन क्या थी माइक्रो की, कि इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम किया जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है हर बंदा रोजगार है, हर बंदे के पास जॉब है, हालांकि हकीकत में ऐसा तो नहीं होता, इसलिए हकीकत में हर बंदे के पास जॉब नहीं होती, तो ये मफरूजा, ये अजम्पशन गलत है, तो ये लिमिटेशन है माइक्रो की। यही बातें मैक्रो में इसके उल्ट कर लें, माइक्रो में किस चीज़ का डिस्कस नहीं किया जाता मैक्रो का, तो मैक्रो में किस चीज़ का डिस्कस नहीं किया जाता माइक्रो का। तो पहला पॉइंट तो बड़ा आसान है, माइक्रो में मैक्रो को नहीं डिस्कस किया जाता, मैक्रो में माइक्रो को डिस्कस नहीं किया जाता, तो दोनों के एक एक ड्रॉबैक हो गए, पहली लिमिटेशन होगी। दूसरी लिमिटेशन है कि मैक्रो में सारे वेरिएबल को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, मैक्रो में सारे वेरिएबल्स को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, ये बड़ा मसला है। वो कहते हैं सारी लेबर अच्छी है या सारी लेबर खराब है, ऐसा तो नहीं होता, सारी लेबर ठीक है या सारी लेबर जो है वो खराब है। जी बेटा, कि लिमिटेशन के वाले से हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिमिटेशन माइक्रो के उलट होती हैं जो मैक्रो में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो,
माइक्रो के जितनी प्रॉब्लम्स हैं, माइक्रो की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने हाईलाइट किया आपने वही लिखना है, जो मैंने हाईलाइट किया है आपने वही लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा, आप इंटरडिपेंडेंस के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि जी इंटरडिपेंडेंस है दोनों चीज़ों की, माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करती है, मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड करती है। अगर एक चीज़ पूरी होगी तो दूसरी चीज़ पूरी हो जाएगी, दूसरी चीज़ पूरी होगी तो पहली चीज़ पूरी हो जाएगी। तो इसलिए माइक्रो पूरी होगी तो मैक्रो के रूल्स पूरे होंगे, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक हो गया बेटा। अनरियलिस्टिक अजम्पशन का मतलब, अनरियलिस्टिक का मतलब ये होता है हकीकत पर कोई इसका इनहिसार नहीं है, यानी सिर्फ फर्जी बातें हैं। अजम्पशन का मतलब होता है फर्ज होना, ये सिर्फ फर्जी बातें हैं, हकीकत में इसका कोई अमल दखल नहीं है। तो इस वजह से जो हम अज्यूम करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा माइक्रो की लिमिटेशन में, हकीकत में ऐसा होता नहीं है, ठीक हो गया बेटा। तो यही मैंने चीज़ें नोट्स में भी डिस्कस की थी। आगे चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम करवाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर दूं। आपने चैप्टर वन पढ़ा है, आप लोगों ने चैप्टर वन डिस्कस किया। चैप्टर वन के दो हिस्से होते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ, इसको हम कहते हैं सेकंड हाफ। जो फर्स्ट हाफ होता है ना, पहला हिस्सा, फर्स्ट हाफ में आपकी ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, यानी आप शुरू होते हैं डेफिनेशन से लेकर, और डेफिनेशन से लेकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक सारा हिस्सा शामिल है। सेकंड हाफ में इकोनॉमिक सिस्टम्स आते हैं। अब ये चार किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, एक दो तीन चार, ये चार इकोनॉमिक सिस्टम हैं। अब एक बात समझ लें, टोटल चैप्टर वन से कितने नंबर का सवाल आना है? 10 नंबर का, टोटल 10 नंबर का सवाल आता है। एक पार्ट इधर से आता है, बी पार्ट हमेशा इधर से आएगा, इन दोनों ऐड कर लें तो 10 नंबर बनते हैं। ए और बी को ऐड करेंगे तो 10 नंबर बनेंगे। इसका मतलब है अभी जितना भी आपने तैयार किया है इसमें से 4 से 6 नंबर का सवाल आपको आएगा। जाहिर बात है अगर पहले पोर्शन में से 6 नंबर का सवाल आया तो दूसरे पोर्शन में 4 नंबर का आएगा, अगर पहले पोर्शन से 4 नंबर का सवाल आया तो दूसरे पोर्शन से आपको 6 नंबर का सवाल आएगा। तो इस तरीके से सवाल आपको आएंगे पेपर में, याद रहेगी बात। इसलिए सेकंड हाफ हम छोड़ नहीं सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा सवाल अटेम्प्ट करना है, अगर आपने पूरा सवाल अटेम्प्ट करना है तो पूरे सवाल के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों हिस्से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ए पार्ट भी और बी पार्ट, ठीक हो गया बेटा, याद रहेगी बात। आगे चलते हैं हम लोग। तीन सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, मैं इन पहले इनके नाम लिख देता हूँ क्योंकि आई कैप ने इसके अलावा भी नाम पूछे हुए हैं पेपर में। सबसे पहले नंबर पे होता है कमांड इकोनॉमी, सबसे पहले नंबर पर है कमांड इकोनॉमी, इसको कहते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म कह दें, कमांड इकोनॉमी कह दें, प्लैंड इकोनॉमी कह दें, तीन नाम है इसके, तीन नाम है। सोशलिज्म भी कहा जाता है इसको, कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है इसको, प्लैंड इकोनॉमी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेसिस फेयर इकोनॉमी, इसको कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, कैपिटल ISM आगे लिखा देते हैं। तो इसके तीन नाम हैं, कैपिटलिज्म कह दें, फ्री मार्केट कह दें, लेसिस फेयर इकोनॉमी कह दें, तो तीन नामों के साथ इसको जाना जाता है। उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का एक ही नाम है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का एक ही नाम है, इसका कोई अलग अलग नाम नहीं है। तो टोटल ये तीन चीज़ें हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। अब सबसे पहले ये समझ लें कि कमांड इकोनॉमी होती क्या है। कमांड इकोनॉमी में उसने ये लिखा हुआ है, ऑल
जी बेटा स्क्रीन स्टक हो गई थी। प्लैंड इकोनॉमी कौन सी सिस्टम होती है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है बेसिकली। प्लैंड इकोनॉमी उसने कहा हुआ है, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन बाय आ सेंट्रल प्लानिंग बॉडी, सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं वो कौन कर रहा होता है, वो सेंट्रल प्लानिंग बॉडी कर रही होती है। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन कर रहा होता है, सेंट्रल प्लानिंग बॉडी। अब सेंट्रल प्लानिंग बॉडी किसको कहते हैं, रियासत को कहते हैं, रियासत को कहते हैं। जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग बॉडी, हुकूमत पाकिस्तान। अगर सारे फैसले हुकूमत पाकिस्तान करेगी तो इसको हम कह देंगे ये कमांड इकोनॉमी है। अच्छा दूसरे नंबर पर आ जाए फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये लिखा हुआ है ऑल इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय द फ्री इंटरप्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। इसमें जितने भी डिसीजन है वह लोग खुद करते हैं, लोग खुद डिसाइड करते हैं। क्या मतलब, मार्केट फोर्सेस के जरिए किया जाता है। मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस। जैसे आप यूं एज्यूम कर लें कि अगर हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर है, तो फिर ये कमांड इकोनॉमी है। अगर आपके मुल्क में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है तो फिर ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। दो चीज़ें होती हैं, कमांड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। तीसरी बात होती है कम्बिनेशन। अब इन दोनों का कम्बिनेशन आ जाएगा, कम्बिनेशन ऑफ मार्केट फोर्सेज एंड सेंट्रल प्लानिंग। यानी जब प्लैंड इकोनॉमी को और मार्केट इकोनॉमी को आपस में जोड़ दिया जाएगा, आपस में इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है ये फिर कौन सी इकोनॉमी बन जाती है, ये बन जाती है फिर मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अब हम आ जाते हैं प्लैंड इकोनॉमी के हवाले से कि प्लैंड इकोनॉमी क्या होती है। आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन देखनी है, आपने उसकी डेफिनेशन देखनी है कि डेफिनेशन क्या होती है। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, यानी आपने नोट्स में कैसे लिखना है। पहले नंबर पर आएगी डेफिनेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगी इसकी एग्जांपल, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे इसके फीचर्स। फीचर्स की नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4, और फोर्थ नंबर पर फिर आ जाएंगे इसके बेनिफिट्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो टोटल ये चार चीज़ें हैं, इन चार में से कोई एक चीज़ पेपर में आ सकती है। डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली है, ये प्लैंड इकोनॉमी होती है, और प्लैंड इकोनॉमी का काम क्या होता है, जिसमें हर काम गवर्नमेंट से पूछ के किया जाएगा, जिसमें हर काम गवर्नमेंट से पूछ कर किया जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब ये दुनिया के किस मुल्क में था, दुनिया के किस मुल्क में ये सिस्टम था, सोवियत यूनियन में था 2000 में, नॉर्थ कोरिया में था। ये दोनों मुल्कों का नाम लिखने आपने, सोवियत यूनियन में 2000 से पहले पहले, और नॉर्थ कोरिया में अभी भी है। वहां पर सिर्फ हुकूमती निज़ाम चलता है, गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है, यानी गवर्नमेंट जो कह देगी उसके मुताबिक ये चीज़ों को रन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे ही चीज़ें चलेंगी, तो ये प्लैंड इकोनॉमी है। उसके बाद हम आ जाते हैं फीचर्स। फीचर इसके पिछले साल पेपर में आ चुके हुए हैं, प्लैंड इकोनॉमी के फीचर पिछले साल पेपर में आ चुके हुए हैं। और आई कैप में आम तौर पर ये होता है कि जो चीज़ पिछली अटैम्प्ट में आ गई है वो अगली अटैम्प्ट में नहीं आती। हाँ एमसीक्यूज में ज़रूर आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये रिपीट नहीं होता। वेरी नेक्स्ट पेपर में पिछला सवाल रिपीट नहीं होता, पिछले सवाल रिपीट हो सकते हैं, इससे पिछले अटैम्प्ट में जो आया उससे पिछले अटैम्प्ट में आया, वेरी नेक्स्ट अटैम्प्ट में। यानी अगर ये स्प्रिंग 21 में आने के चांसेस इसके कम है, लेकिन ये एमसीक्यूज में आ सकता है, पढ़ना तो है हम लोगों ने। तो फीचर में सबसे पहले नंबर पर क्या है, सेंट्रल प्लानिंग बॉडी डिसाइड क्वेश्चन ऑफ व्हाट हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस। बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना किया जाए, वो जो जितने हमने बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस पढ़े थे ये वो डिसाइड कर रही होती है। फिर है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर स्टेट ओन्ड, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगी। तीसरे नंबर पर है रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय द डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसको कहते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहा जाता है, एडमिन सिस्टम किसको कहा जाता है। जैसे अगर हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट का उसका निज़ाम है, करेंसी इशू करने का निज़ाम है, करेंसी इशू करने का निज़ाम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ करेंसी इशू कर सकता है, वापडा बिजली सप्लाई कर सकता है। इसी तरह PIA जो पाकिस्तान एयरलाइंस है वो एयरलाइंस को कंट्रोल करता है, जो ऑफिशियल है, बाकी तो फॉरेन कंपनीज है ना। तो इसी तरह सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसी तरह जो टैक्स का निज़ाम है FBR अप्लाई करता है। तो ये सारी
चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत हो रही होती है। ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट अकेली खुद तो सारा कुछ नहीं ना मैनेज कर सकती, तो गवर्नमेंट ने अपने इदारे बनाए हुए हैं, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो गवर्नमेंट उन इदारों के तहत चलती है और मुल्क को भी चलाती है। फोर्थ पॉइंट है फैक्टर प्राइसेस एंड सेट बाय सेंट्रल प्लानिंग बॉडी। जितने भी फैक्टर प्राइसेस हैं वो सेट होती हैं किससे, सेंट्रल प्लानिंग बॉडी से, यानी सेंट्रल प्लानिंग बॉडी डिसाइड करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिसाइड करता है कीमतें क्या होंगी, मजदूर की तनख्वाह कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना देना है हम लोगों ने, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हर बात कौन डिसाइड करेगी, सेंट्रल प्लानिंग बॉडी। उसके बाद है बेनिफिट और ड्रॉबैक्स। तो बेनिफिट में देख लें, नंबरिंग आपने लाजमी करनी है, लिखना इतना इतना ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहला फायदा क्या है, प्रोडक्शन इज कैरिड आउट फॉर द नीड ऑफ सोसाइटी एंड नॉट द बेनिफिट ऑफ द फ्यू। आपकी प्रोडक्शन हो जाती है लोगों के फायदे के लिए, बेसिक नीड, असल मकसद ही होता है बेसिक नीड प्रोवाइड की जाए। तो पहला बेनिफिट यही है, अगर गवर्नमेंट का निज़ाम होगा ना तो गवर्नमेंट की पहली कोशिश यही होती है लोगों को बेसिक नीड प्रोवाइड की जाए। दूसरे नंबर पर है द सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर फुली अकाउंटेड फॉर इन इकोनॉमिक डिसीजंस। सोशल कॉस्ट होती क्या है पहले तो ये समझ लें, सोशल कॉस्ट क्या होती है। सोशल कॉस्ट का मतलब ये होता है जैसे 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 हम कारोबारी दौर में दाखिल होते जा रहे हैं, आप देखें आपकी जो आबो हवा है, जो इन्वायरमेंटल है इफ़ेक्ट्स हैं वो नेगेटिव होते जा रहे हैं, यानी मौसम असरअंदाज होता जा रहा है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, फैक्ट्रियों के धुएं से आपका जो माहौल है वो आलूदा हो रहा है। जितनी आपके मुल्क में गाड़ियाँ आ रही हैं, उस गाड़ियों की मदद से आपका माहौल ख़राब हो रहा है। गर्मी आती हैं तो वो भी एक्सट्रीम पर चली जाती हैं, सर्दियाँ आती हैं तो वो भी एक्सट्रीम पर चली जाती हैं, फिर लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जंगलात काट दिए, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ हम लोगों ने रिहायशी जो भी स्कीम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर लिया हुआ है। तो जितने भी रेजिडेंशियल स्कीम्स हैं वो बेसिकली कहाँ पर बनी हुई हैं, दूर दराज के इलाकों में जंगलात को काट के बनी हुई हैं। तो अगर जंगलात काट जाएंगे और उसके बावजूद आपकी पोल्यूशन में इजाफा होता जाएगा तो फिर आपका माहौल ख़राब होगा। ये जो सोशल कॉस्ट है ये कोई भी मैटर नहीं करता, कोई कैलकुलेट करता ही नहीं है। सोशल कॉस्ट सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, यानी गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हुए हैं, इन्वायरमेंटल एक इदारा बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने जिसमें इन्वायरमेंटल माहौलियाती आलूदगी को मैयर किया जाता है और जो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पर जुर्माना लगाया जाता है। तो सोशल कॉस्ट कोई भी प्राइवेट ऑनर मैयर कर ही नहीं सकता, सोशल कॉस्ट सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट मैयर कर सकती है। तीसरा फायदा उसका ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, उसका मकसद है लोगों की वेलफेयर। तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ इस सेक्टर में पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट का निज़ाम होगा तो। लेस डुप्लीकेशन, इसमें गवर्नमेंट ने हर एक शख्स को राइट्स दिए होते हैं, इसके अलावा और किसी के राइट्स नहीं है। जैसे करेंसी इशू करनी है सिर्फ स्टेट बैंक कर सकता है और कोई इशू नहीं कर सकता, तो हर एक के राइट्स अपने अपने हैं। परमिट्स लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल एंड सोशल प्लानिंग, अगर गवर्नमेंट का निज़ाम होगा तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। छठा पॉइंट है कंसिडरेशन अ मोर इक्वल क्लासलेस सिस्टम, इसमें अमीरों और गरीबों में फ़र्क कम हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश ही होती है अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा कर वही पैसा गरीबों पर लगा दिया जाए। तो इस वजह से हम कहते हैं ये फ़ायदे हैं गवर्नमेंट सिस्टम के, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, हर बंदा गवर्नमेंट से पूछ के काम करेगा, उसका ज़ाती मुनाफा कोई है ही नहीं। अगर ज़ाती मुनाफा नहीं है तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि फिर ये स्लो हो जाएगा, स्लो टू रिस्पॉन्ड है। जब आपको एक पता है गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी एम्प्लॉई को निकाल नहीं सकते, किसी बंदे को जॉब से फारग नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, हर बंदा अपने आराम आराम से काम करेगा। देख लें जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पर काम बड़ी डिले होता है। आप शनाख्ती कार्ड बनवाने चले जाएं, पासपोर्ट बनवाने चले जाएं, या कोई भी आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तीसरे नंबर पर है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी किसको कहते हैं, हुक्मरानी। यहाँ पर सारिफ बादशाह नहीं होता बल्कि सारिफ को माननी पड़ती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट कहेगी चुपचाप उसको वैसे ही कबूल करना पड़ेगा, जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करेगी कंज्यूमर को वही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर उनका अपना कोई राइट होता ही नहीं है। लाइकलीहुड ऑफ करप्शन, आमतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन ज़्यादा होती है। आखिरी पॉइंट है लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल फ्रीडम, कि यहाँ पर लोगों को माशी आज़ादी नहीं है, अपनी मर्जी से वो कारोबार नहीं कर सकते। ये मैंने सिर्फ पढ़ा जरूर दिया है, एक दफ़ा याद कर लीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी वजह पिछले अटैम्प्ट में ये आ चुके हैं। ड्रॉबैक्स,
आ सकते हैं, बेनिफिट आ सकते हैं, जो उसके फीचर हैं पिछली अटेम्प्ट में वो नहीं, सॉरी ड्रॉबैक्स आ चुके हैं पिछली अटेम्प्ट में, 3 ड्रॉबैक्स आ चुके हैं, तो फीचर आ सकते हैं या बेनिफिट आ सकते हैं, तो ड्रॉबैक बेशक रहने दीजिएगा, छोड़ दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमने कौन सा पढ़ा, प्लैंड इकोनॉमी। प्लैंड इकोनॉमी के बाद अब दूसरी किस्म कौन सी है, मार्केट इकोनॉमी। अब ये मार्केट इकोनॉमी क्या होती है उसको जरा देख लें, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है उसको जरा डिस्कस कर लें। जी बेटा मार्केट इकोनॉमी में दो बातें हैं, ये कौन सा सिस्टम है, तरीकाकार, अब ये आने के चांसेस हैं इस अटेम्प्ट में, ये आएगा पहले नंबर पे डेफिनेशन, दूसरे नंबर पे फीचर्स, तीसरे नंबर पे एडवांटेजेस, बेटा स्क्रीन इसकी थोड़ी सी स्ट्रक हो गई है, तो आपने अगर मैसेज करनी है तो व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज करनी है अगर आपने तो व्हाट्सएप पे कीजिएगा। फीचर्स अब हम पढ़ने लगे थे, तो बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में कहा हुआ है, अ टर्म दैट डिस्क्राइब हैंड ऑफ अप्रोच टू गवर्नमेंट। हैंड ऑफ अप्रोच कौन सी होती है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है, ये कौन सी अप्रोच है, हैंड्स ऑफ अप्रोच है, इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता, यानी ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात करने लगे हम। अ बिलीव दैट देयर शुड बी ओनली मिनिमम इंटरवेंशन विद व्हाट द स्टेट डज विद इन द इकोनॉमी। ये हम बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट का बड़ा थोड़ा सा रोल है, गवर्नमेंट का मिनिमम रोल है, थोड़ा सा किरदार है, इसको हम कहते हैं लेसिस फेयर इकोनॉमी। उसके बाद हम कहते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के, तो फीचर्स को भी जरा देख लेते हैं, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, मैं पहले हेडिंग लिख दूं, तो पहले नंबर पर 2, 3, 4, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एज इट इज आप लोगों ने याद करनी है, छोड़ना नहीं है। अब जरा समझ लें, रियलाइंस, रियलाइंस का मतलब होता है डिपेंड करना ऑन द मार्केट एंड प्राइस मैकेनिज्म टू एलोकेट रिसोर्सेज। मार्केट में प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई आपस में जहां पर भी बराबर हो जाएंगे वहां पर कीमत सेट हो जाएगी, इसको कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। डिमांड और सप्लाई फोर्सेस का चलना प्राइस मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक हो गया। उसके बाद है यहां पर प्राइवेट ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्राइवेट ऑनर्स है ना वो फैसला करेंगे कि कितने पैसे देने हमने मजदूर को, तो इसका मतलब है बारगेनिंग होगी, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रेट होगा पेमेंट करने का, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट, जाती मुनाफा एंड प्रॉफिट मोटिव इकोनॉमिक डिसीजन। यहाँ पर हमारा जाती हक होगा कि हम जो मर्जी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमें किसी काम के लिए नहीं रोकेगी। फोर्थ पॉइंट है, वेजेस एंड अदर पेमेंट्स आर सेट बाय मार्केट। जितनी भी पेमेंट्स हैं वो कौन सेट करेगी,
वो मार्केट फोर्सेस से सेट हो जाएंगी। जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी कहाँ से सेट होंगी? मार्केट फोर्सेस से। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट ना तो प्योर मार्केट इकोनॉमी आपके मुल्क में एग्जिस्ट करती है दुनिया के किसी मुल्क में, ना तो प्योर प्लैंड इकोनॉमी आप किसी दुनिया के मुल्क में एग्जिस्ट करती है। हाँ ये ज़रूर होता है, किसी मुल्क में प्लैंड इकोनॉमी ज़्यादा है, किसी मुल्क में जो है वो प्राइवेट इकोनॉमी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ प्लैंड इकोनॉमी हो, इसलिए इसका कोई मुल्क आपको मिलेगा नहीं जहाँ पर सिर्फ ये मार्केट इकोनॉमी हो। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर कम्बिनेशन होता है, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कम्बिनेशन होता है। खैर आगे चलते हैं हम, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में। पाकिस्तान में मिक्स्ड ही सिस्टम है ना बेटा, मिक्स्ड का मतलब यही है कि दोनों सिस्टम इकट्ठे हैं। बेनिफिट्स, क्या क्या फायदे होते हैं? रिटेन कंज्यूमर सॉवरेंटी, अब देखें जो आपने नुकसान पड़े थे सारे इसके बेनिफिट अब बन गए हैं। रिटेन कंज्यूमर सॉवरेंटी क्या मतलब? वहां पर जो जो कंज्यूमर कहता था गवर्नमेंट वैसा नहीं करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश होती है सबको रोटी प्रोवाइड हो जाए, सबको रोजगार मिल जाए, तो वो बेसिक नीड की तरफ आती है। यहाँ पर क्या होगा, आप देखें जब भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में वैरायटी बड़ी होती है। मोबाइल की एग्जाम्पल देख रहे हैं, लैपटॉप की एग्जाम्पल देख लें, हर महीने 2 महीने बाद नया मॉडल आ जाता है मोबाइल का। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें तो इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर में कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। नो कॉस्टली प्लानिंग, लोगों को पता होता है कि उन्होंने खर्चा खुद ही अपनी जेब से देना है, गवर्नमेंट की जेब से नहीं देना, इसलिए वो कॉस्टली प्लानिंग नहीं करते। यहाँ पर हमने नुकसान पड़ा था ना प्लैंड का कि स्लो टू रिस्पॉन्ड होता है, यहाँ पर होता है कि डायनेमिक रिस्पॉन्स। डायनेमिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है फास्ट रिस्पॉन्स, जल्दी से रिस्पॉन्ड किया जाता है। फिर यहाँ पर माशी आज़ादी होती है, यहाँ पर आप जो मर्जी कारोबार कर सकते हैं और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई फोर्सेज अपनी मर्जी से मूव करती हैं। अच्छा इसके नुकसान क्या क्या हैं? इसकी वजह से ना इनकम इनक्वालिटी हो जाती है। इनकम इनक्वालिटी का मतलब क्या है? इनकम इनक्वालिटी का मतलब क्या है? अमीरों और गरीबों में फ़र्क ज़्यादा हो जाएगा, जो अमीर है वो अमीर तर होता जाएगा, जो गरीब है वो गरीब तर होता जाएगा, तो चोरियाँ डकैतियाँ इस सिस्टम में ज़्यादा होती हैं। इग्नोर सोशल कॉस्ट, वहाँ पर हमने फ़ायदे में पढ़ा था, बेसिकली एक दूसरे के उलट हैं ये। यहाँ पर सोशल कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है, उसके फ़ायदे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट सोशल कॉस्ट को मैयर कर रही होती है। डेंजर ऑफ एम्फसाइज ऑन लग्जरी रेदर देन नेसेसिटी, यहाँ पर डर ये होता है कि लोग लग्जरी की तरफ जाएंगे सिर्फ, क्योंकि लग्जरी में ज़्यादा पैसा है ना, गाड़ियों में ज़्यादा पैसा है, लेकिन अगर हम वीट की बात करें, राइस की बात करें, उसमें मार्जिन कम है, पैसा कम है। ये लॉन्ग टर्म नहीं होता क्योंकि ये प्राइवेट होता है, जिसकी जितनी ज़िंदगी है उतने तक वो प्लान कर सकता है। डेंजर ऑफ ग्रोथ ऑफ मोनोपलीज, यहाँ पर मोनोपलीज भी बन जाती हैं। मोनोपली का मतलब होता है जहाँ पर एक ही बंदा चीज़ें बेच रहा होता है, जैसे वाबडा, वाबडा चीज़ें बेच रहा है। अगर आप वाबडा बिजली बेच रहा है, अगर वाबडा से बिजली नहीं खरीदनी तो वो क्या कहेगा? ठीक है भाई जाओ जो मर्जी करो, इसके अलावा हम कहीं जा नहीं सकते। आपके जो यूपीएस है वो भी बिजली से चार्ज होता है, तो जितनी भी बैटरी हैं वो सारी यूपीएस से चार्ज, उससे बिजली से चार्ज होती हैं, तो इसका मतलब है बिजली का कोई अल्टरनेटिव है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई अल्टरनेटिव है नहीं, तो वापडा जितनी मर्जी चाहे बिल भेज दे मजबूरन हमें पे करना पड़ता है। तो ये वापडा की मोनोपली है, जब मोनोपलियाँ बन जाती हैं फिर लोग अपनी मनमानियाँ करते फिरते हैं। उसके बाद है एक्सप्लाइटेशन ऑफ वीक इकोनॉमिक एजेंट, जो छोटे मजदूर होंगे ना गरीब बंदे उनका हक मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की रोक टोक तो है नहीं, पुलिस का निज़ाम है नहीं, कोई भी अदालती निज़ाम है नहीं, इस वजह से कोई भी रोक टोक नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है उसको उतने पैसे दे रहा है मजदूर को, तो मजदूर की जो बार्गेनिंग पावर है वो बड़ी कम हो जाएगी। ये बेटा बेनिफिट्स हैं और लॉसेस हैं। मोनोपली से डेंजर कैसे होगा? बेसिकली जब भी मोनोपली बन जाती है ना तो हमेशा वो जानबूझ कर कीमत बढ़ा देती है और नई फर्मों को आने नहीं देती, इस वजह से मोनोपली से नुकसान होता है मुल्क को। इसमें से कोई एक चीज़ पेपर में आ जानी है, इसमें से कोई एक चीज़ पेपर में आ जानी है, डेफिनेशन आ जाए, फीचर आ जाए, एडवांटेज या डिसएडवांटेज आ जाए, क्योंकि मैंने कहा प्लैंड इकोनॉमी आ चुकी है तो इस अटेम्प्ट में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी ये चीज़ पेपर में आनी आनी है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे पूछें, अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे पूछ लें। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं फिर हम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है?
अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के लिए दोनों का कम्बिनेशन है। अब ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, या तो ये वाला सवाल आएगा इस अटेम्प्ट में या फिर ये वाला सवाल आएगा। रोल ऑफ स्टेट, अगर वो फीचर कह दे या रोल ऑफ स्टेट कह दे बात एक ही है, मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर कह दे या रोल ऑफ स्टेट कह दे बात एक ही है, ठीक हो गया। तो इसलिए ये डेफिनेशन भी है बेसिकली उसकी, ये डेफिनेशन भी है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है। बेसिकली ये कम्बिनेशन होता है पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। फिर रोल ऑफ स्टेट में उसने ये पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन ये चूंकि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके पॉइंट्स मैं खुद लिखवा देता हूँ आपको, क्योंकि पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लें, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, कानून साजी। जितने भी कवानीन है वो कौन बना रहा होता है, गवर्नमेंट बना रही होती है, और उस पर अप्लाई कौन कर रहा होता है, लोग खुद अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा गवर्नमेंट का किरदार यही होता है, कानून बनाने हैं, रूल बनाने हैं। अब वो कानून कौन कौन से हो सकते हैं जरा देखें, मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं वो, ठीक है। एम्प्लॉयज के कितने पैसे पे करने, इसलिए देखिए आप गवर्नमेंट ने वो निज़ाम नहीं बनाया हुआ, बेसिक पे स्केल, 17वां ग्रेड है, 18वां ग्रेड है, 15वां ग्रेड है, कोई भी ग्रेड है, तो ग्रेड की सैलरी कितनी होगी, उसकी ड्यूटियाँ क्या होंगी, हर चीज़ उसमें मेंशन है। हॉलीडेज कितनी होंगी, छुट्टियाँ कितनी होंगी, ठीक है, लीव कितनी होंगी, हेल्थ सेफ्टी के क्या वैल्यूज़ हैं, फिर जितने भी आपके स्टैंडर्ड हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड, जैसे देख लें आप स्कैंस के करीब अगर आए तो यहाँ पर एक पंजाब फूड अथॉरिटी का दफ्तर है, उसमें यही देखा जाता है कौन सी चीज़ें सही हैं कौन सी चीज़ें खराब हैं जो बेची नहीं जा सकती। फिर ये है रूल ऑफ प्रोडक्ट इन्वेस्टर, आपके जितने भी कानून बने हुए हैं, जैसे आप कहते हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस बना हुआ है, फिर आप कहते हैं वो बना हुआ है पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, कोई भी मकान खरीदें तो रजिस्ट्री उसके लिए आपको जाना पड़ता है, फिर कोई भी आप गाड़ी मोटरसाइकिल खरीदें तो उसके लिए आपको सेल परचेज के लिए भी वो एक्साइज के ऑफिस जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है हर चीज़ का रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड के असूल किसने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने। तो ये रोल ऑफ गवर्नमेंट है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में, पहला पॉइंट है लेजिस्लेशन। हाँ, जिस शख्स ने डेफिनेशन प्रेजेंट की होती है ना उसकी नाम लिखना जरूरी होता है, लेकिन जैसे देखें प्लैंड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें किसी बंदे की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो हम जनरल डेफिनेशन लिख देते हैं। जहां पर आई कैप ने नाम बताया है वहां पर नाम लिख दें, जहां पर आई कैप ने नाम नहीं बताया वहां पर नाम लिखे बगैर आप सॉल्व कर उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पे सेकंड पॉइंट है टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है टैक्स कितना लगेगा, डिफेंस पर कितना है, एजुकेशन पर कितना है, हेल्थ पर कितना टैक्स है, तो हर चीज़ की जो डिसीजन मेकिंग है वो गवर्नमेंट खुद कर रही होती है। तीसरा पॉइंट है प्राइस कंट्रोल, कि जितनी भी कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने वाला इदारा कौन सा होगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सोचेगी किसी चीज़ की कीमत क्या है, आप देखें जितने भी चिकन मार्केट है, चिकन मार्केट में रेट डेली का डेली आता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। फिर इसी तरह गोल्ड मार्केट है, गोल्ड मार्केट का रेट भी गवर्नमेंट की तरफ से आता है, इसी तरह कोई भी चीज़ है उसका रेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो गवर्नमेंट कीमतों को सेट करती है, क्यों, उसकी वजह क्या होती है, ताकि लोग शॉर्टेज का शिकार ना हो जाए, लोगों को कमी ना हो जाए। तीसरे नंबर पर है, ओ सॉरी, फोर्थ पॉइंट है सब्सिडीज, गवर्नमेंट बेनिफिट दे, सब्सिडीज का मतलब होता है बेनिफिट्स, गवर्नमेंट लोगों को बेनिफिट दे रही होती है, फायदे दे रही है। जितने लोग बेरोजगार हैं, जितने लोग अपाहिज हैं, मजदूर हैं, उनको अलाउंस दिया जाता है, तो ये भी गवर्नमेंट दे रही होती है, ये गवर्नमेंट का ही काम है। आखिरी और पांचवा पॉइंट इसका है इकोनॉमिक पॉलिसी,
जितनी भी पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट इशू करती है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये क्या क्या होती है, ये बात की बात है, सिर्फ नाम देख लें। जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, वो रन कर रही होती है। तो बेटा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ स्टेट आ सकता है इस अटेम्प्ट में पेपर में, जो कि आना ही आना है इस दफ़ा, या फिर ये आ सकता है मार्केट इकोनॉमी में से कुछ पूछ लेगा। इन दोनों को रट्टा मार लें अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। अब बेनिफिट और ड्रॉबैक भी समझ लें। बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ़ायदे डायनेमिक के और प्राइवेट के इकट्ठे ही होते हैं। इसमें दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है, लोग अपनी मनमानियां नहीं करते फिरते, यानी लोगों को फ्री किया हुआ है, आप जो मर्जी कारोबार करें मगर वो कारोबार हलाल होना चाहिए। इसको कौन पकड़ेगा, वो कारोबार जायज़ होना चाहिए, इसको कौन पकड़ेगा, गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हुए हैं। तो इसलिए लोगों को किसी हद तक फ्री कर दिया जाता है ताकि वह लिमिट के अंदर रह के अपना कारोबार कर सकते हैं। फिर नुकसान क्या हैं, स्टेट में रेगुलेट इकोनॉमी फॉर पोलिटिकल एंड्स। नुकसान ये है कि कोई भी जो हुकूमत है ना वो अपने पोलिटिकल इफेक्ट इस्तेमाल करती है, असर और रसूख इस्तेमाल करती है। जिसकी जो हुकूमत होती है उसके खिलाफ कभी भी कोई केस नहीं खुलता, हमेशा अगली हुकूमत में जाके उसके केसेस खुलते हैं। इसका मतलब है उसका असर और रसूख चल रहा होता है। दूसरे नंबर पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ब्लर्ड। ब्लर्ड का मतलब क्या होता है, धुंधला हो जाना। जैसे आप DSLR से तस्वीर लेते हैं तो पीछे ब्लर हो जाता है, तो ब्लर्ड का मतलब होता है धुंधला हो जाना। असल में तरक्की किसकी वजह से हुई है, जो अच्छी बात होती है ना दोनों मान लेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहेगा जी तरक्की मेरी वजह से हुई है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कहेगा तरक्की मेरी वजह से हुई है। लेकिन अगर कोई खराबी आ जाए ना तो दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। ना तो प्राइवेट सेक्टर कहता है मेरी वजह से खराबी आई है, ना गवर्नमेंट सेक्टर कहता है मेरी वजह से खराबी आई है। तो इसलिए परफॉर्मेंस किसकी सही है किसकी खराब है वो ब्लर्ड हो जाती है, वो सही मैयर ही नहीं हो सकती। उसके बाद है गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्रिएट कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी। जहां भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी, जहां पर भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी ना उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी। आप देख लें स्टेशनरी कॉस्ट ज्यादा होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होती है। जितने लोगों को हमने गवर्नमेंट सेक्टर में गाड़ियां मिली होती हैं, घर मिले होते हैं, वो अपने घर में रह कर भी वो घर को किराए पे दे देते हैं। फिर जिनको गाड़ियां मिली होती हैं वो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हालांकि गाड़ी उनको ऑफिस यूज के लिए मिली हुई है। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं किस सेक्टर में, मिक्स्ड इकोनॉमिक सेक्टर में। बेटा इसको देख लें एक दफा। आज वाला सारा टॉपिक हम लोगों ने ना बेसिकली बुक से ही किया है, नोट्स इसके हैं ही नहीं। तो बुक से मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं, ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, जो बच्चे बाद में क्लास लेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर में, मैंने सिर्फ हाईलाइट कर दिया। ये चीज़ें हाईलाइट ही आपने पेपर में लिखनी है, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ये सॉरी तीन चीज़ें। प्लैंड इकोनॉमी पहले नंबर पे, जिसको सोशलिज्म कहा जाता है, कैपिटलिज्म जिसको फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। तो दोनों चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसमें से कुछ भी नहीं करना, ये काम पढ़ने वाला नहीं है। हाँ ये आगे सवाल शुरू होता है, फीचर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था टोटल चार हैं, मैंने कहा था टोटल चार हैं। कौन कौन सी, एक था मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, एक था प्लैंड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, और एक है फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। ये फोर्थ सिस्टम है, ये फोर्थ टाइप है। जिसको हम कहते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर भी आए हुए हैं पेपर में, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर भी पेपर में आए हुए हैं। नंबरिंग हम कर लेते हैं, ये याद करने वाली बात है, इसमें समझाने वाली कोई बात भी नहीं है। अल्लाह इज सस्टेनर, अल्लाह ताला हर चीज़ का, कायनात का मालिक है। ये बेसिकली गॉड नहीं होना चाहिए, अल्लाह होना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह के मानने वाले हैं। अल्लाह इज़ द ट्रू ओनर ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक हर चीज़ पर कुदरत रखती है। थर्ड है स्टेट ऑनरशिप, अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ इसलिए अपना नाई बनाकर भेजा है कि वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करे और लोगों को बेनिफिट दे, सांप बन के ना बैठ जाए। फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिसिंग मॉडरेशन। मॉडरेशन किसको कहते हैं, एतदाल, दरमियानी रास्ता, इंसाफ होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को अरबिक में रिबा कहा जाता है, इंटरेस्ट नहीं लेना, इंटरेस्ट मना है, हराम है। सिक्स पॉइंट है अर्निंग,
हलाल जराए होने चाहिए, हलाल जराए होने चाहिए। होर्डिंग, होर्डिंग किसको कहते हैं? होर्डिंग कहते हैं जखीरा अंदोजी नहीं होनी चाहिए, होर्डिंग कहते हैं जखीरा अंदोजी, कि होर्ड नहीं होना चाहिए। आठवां पॉइंट है जकात, कि जकात का सिस्टम इसमें होना चाहिए। यहां तक देखें, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी बेटा क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन पूछने वाला? ये आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि आपने एक दफा खुद पढ़ना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ दो चीजों का कंपैरिजन है, कैपिटलिज्म का और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इन चीजों को छोड़ देना है। ये चीज़ें भी आपने करनी है, ये चीज़ें भी आप लोगों ने ज़रूर करनी है, लेकिन उन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने ग्रिप के साथ डिस्कस करना है। मॉडरेशन का मतलब होता है एतदाल, मॉडरेशन का मतलब होता है एतदाल, दरमियानी रास्ता। फीचर की एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने दो से तीन लाइनों में, जो जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जैसे देखें जो तीन लाइनों की एक्सप्लेनेशन है वैसे ही लिखनी है। इसमें आ जाएं, इसमें तो वैसे ही बड़ा छोटा लिखा हुआ है, जो जो लिखा हुआ है एज इट इज लिखना है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आई कैप स्टडी टेक्स्ट से ही रहना है, आपने खुद से कोई चीज़ नहीं लिखनी। जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ वो लिखना है आपने पेपर में, जिसमें हाईलाइट नहीं कर रहा इसका मतलब है वो सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ पर भी देख लें, जो हाईलाइट किया है सिर्फ उतना लिखना है बस, ठीक है? तो नोट्स, इसीलिए बेटा मैं साथ साथ एक हबीबुर रहमान साहब, मैं नोट्स का यही कह रहा हूँ कि आपने जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ वो याद करना है, उतना उतना ही आपने नोट्स में लिखना है, वही याद करके आपने पेपर में छापा मार देना, ठीक हो गया? ओके, अब इसके बाद एक चीज रह गई है बस, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें से कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, ये भी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस्लामिक फाइनेंस। बस ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस्लामिक फाइनेंस क्या होता है, इस्लामिक फाइनेंस क्या होता है, इस्लामिक फाइनेंस क्या होता है। चलें ये हाईलाइटेड भी मैं आपको सेंड कर दूंगा एज इट इज, ठीक है बेटा? अच्छा, अब इस्लामिक फाइनेंस क्या होता है? इस्लामिक फाइनेंस जिसमें इस्लाम की नजर में कुछ इन्वेस्टमेंट जायज है, जैसे इंटरेस्ट तो हराम है ना इस्लाम में, हम इंटरेस्ट का जिक्र नहीं करते, तो इसका मतलब है इस्लाम में फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो इस्लाम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास ये पांच चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर है मुदारबा। अब एक चीज मैं आपसे शेयर कर दूं थोड़ी सी पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, वो सारी चीजें जो कुरान में मौजूद हैं, जो अहदीस मुबारका में मौजूद हैं, वो इस्लामी नजर में जायज हैं, हलाल हैं। एक बात, अब कुरान मजीद में तो हमारे पास साबित हैं, अहदीस मुबारका में दो चीज़ें हैं, या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई मामला पेश हुआ और उन्होंने उसको पसंद फरमाया, वो भी इस्लाम में जायज़ है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वो मामला खुद किया, जैसे तिजारत का सामान लेकर गए थे दूसरे मुल्क में बेचने के लिए, तो वो मामला बेसिकली मुदारबा का था कि एक शख्स का प्रॉफिट था, एक शख्स का जो सामान था और एक शख्स अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो ये मुदारबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया। जो खुद उन्होंने अमल किया होता है वो सुन्नत मुबारक है, वो भी इस्लाम में जायज़ है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं बारी बारी कि इस्लाम में ये चीज़ें क्या हैं। पहले नंबर पे है मुदारबा। मुदारबा किसको कहते हैं? इसको उर्दू में कहा जाता है मुजारबत। मुजारबत क्या होती है? मुजारबत का मतलब ये होता है कि एक शख्स अपने पैसे देता है, एक शख्स अपने पैसे दे रहा होता है और एक शख्स अपनी सर्विसेज अदा कर रहा होता है, इसको कहते हैं मुजारबत। ये अरबिक वर्ड है, मुदारबा से निकला हुआ है मुजारबत। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास स्किल है तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी और बंदे को कहता हूँ यार मुझे ना पैसे दे, हम दोनों मिल कर ना प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे, हम कोई कॉलेज ओपन करते हैं, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं पढ़ाऊंगा, आप फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें परचेज कर लेना, तो खर्चा आपका होगा, सर्विसेज मैं दूंगा, जो भी मुनाफा होगा आधा आधा कर लेंगे। इस तरह का जो सिस्टम है इसको कहते हैं मुदारबा। अब ये मुदारबा अगर बैंक के साथ किया जाए, मेरे पास सर्विस है, स्किल है, मैं बैंक को कहता हूँ कि भाई मुझे पैसे दे, मैंने कारोबार करना है। अब बैंक अगर मेरे साथ कारोबार करता है, कहता है ठीक है, बैंक के पास पैसे फालतू पड़े हैं ना, बैंक आधे पैसे मुझे, बैंक मुझे पैसे देता है, जो भी मुनाफा होगा आधा मैं बैंक को दे दूंगा, आधा मैं अपने पास रखूंगा, बैंक के पैसे वहीं के वहीं सेव हैं, वो तो वापस करने ही करने हैं ना मैंने, तो इसका मतलब है इससे कोई सिस्टम होगा तो उसको कहेंगे मुदारबा और ये इस्लाम में जायज़ है। फिर है दूसरे नंबर पे मुशारका। मुशारका को क्या कहते हैं? शराकत। शराकत किसको कहते हैं? पार्टनरशिप। एक बंदा, मेरे पास 10 लाख है, दूसरे बंदे के पास 15 लाख है, दोनों मिलकर कारोबार करते हैं, तो मिलकर 25 लाख का कारोबार करेंगे, बड़े पैमाने पर कारोबार करेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा ना। अगर दोनों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों लोगों का पैसा भी है, उसको कहेंगे मुशारका। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे मुराबे। मुराबिया का मतलब क्या होता है? मुराबिया का मतलब होता है, अब ये थोड़ी सी स्टोरी सुननी है, फिर आपको समझ आएगा। मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। अब अगर मैं बैंक से लोन ले लूँगा, तो मुझे इंटरेस्ट अदा करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट हराम है। मैं बैंक को कहता हूँ यार कुछ और गेम करो कि मेरे मुझे इंटरेस्ट देना ना पड़े। बैंक कहता है चलो ठीक है, आपने क्या करना है? मैं कहता हूँ मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मेरी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैं उसका ऑनर हूँ। मैं गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि जी गवर्नमेंट सॉरी बैंक को ये कहता हूँ कि जी मैंने मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि मैंने अमेरिका में ना इतनी चीज़ें सेंड करनी है, किसी भी मुल्क में मैंने 5,000 जैकेट बना के ना एक्सपोर्ट करनी है, लेकिन जिस मशीनरी को मैंने इस्तेमाल करना है ना, मेरे पास मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, अगर मुझे आप पैसे दे देना तो मैं वो मशीन खरीद लूँ। बैंक कहता है यार मशीन आप मेरे से ले लो बजाय कि आप पैसे लो। मैं कहता हूँ ये भी ठीक है, पैसे लेकर भी तो मैंने मशीन ही लेनी है ना, क्योंकि अगर मैं पैसा लूँगा तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा, हराम हो जाएगा, आप मुझे मशीनरी ले दो। बैंक क्या करता है? बैंक मुझे मशीनरी परचेज कर देता है, मैं मशीनरी परचेज करके अपना काम करता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि भाई मुझे ना तू 6 महीने के लिए दे दे, 6 महीने बाद मैं तेरे मशीनरी के पेमेंट कर दूंगा। बैंक कहता है चलो ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा और बैंक का। अब मैंने 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, अमेरिका में 5,000 जैकेट भेजी, उसके बाद मैंने अपना मुनाफा साइड पर निकाल लिया और मशीनरी के पैसे निकाल के जो सर्विस चार्जेस थे उसको मैंने बैंक को दे दिया। अब बैंक के पास भी पैसे वापस आ गए, मेरा भी काम हो गया। इस काम को हम कहते हैं मुराबे, इस काम को कहते हैं बिया मुराबे। इसकी अब बेशुमार किस्में हैं, बेशुमार शक्लें हैं, लेकिन हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करना, जितना हमारे सिलेबस में हमने सिर्फ उतना ही रहना है। बेशुमार शक्लें हो सकती हैं जी, ऐसा हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम इस्लामियात नहीं पढ़ रहे, हम इकोनॉमिक्स में जो हिस्सा है उसका बस 2-3 लाइनें हमने वो पढ़नी है बस, तो सिर्फ हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी शर्तें लिखने नहीं बैठ जाना कि ऐसा होता है ऐसा होता है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है इजारा। इजारा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको कहते हैं लीज, लीजिंग। लीजिंग का सर बंदे को पता होगा, लीजिंग क्या होती है? अगर मैं गाड़ी किस्तों पे लेता हूँ, 2 किस्म की गाड़ियाँ मिल सकती हैं, एक है जो मैं बैंक से गाड़ी लीज पे लेता हूँ,
तो जब उसकी किस्तें खत्म हो जाती है ना, तो गाड़ी मेरे नाम हो जाती है। एक तो इस किस्म की लीजिंग होती है, एक लीजिंग होती है मुझे स्कैंस की तरफ से गाड़ी मिली हुई है। जब तक मैं स्कैंस का एम्प्लॉई हूँ मैं गाड़ी इस्तेमाल करूंगा, जब मैं स्कैन छोड़कर जाऊंगा तो मैं गाड़ी वापस करके जाऊंगा स्कैन को। बेसिकली वो गाड़ी मेरी मलकियत में नहीं है, गाड़ी मेरे मलकियत में नहीं है, लेकिन मैं गाड़ी का रेंट दे रहा हूँ बस उनको। वो थोड़ा माइनर सा रेंट होता है, यानी बेसिकली गाड़ी के कुछ पैसे होते हैं जो सर्विस चार्जेस कहलाते हैं। तो अगर तो मैं सिर्फ गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जब मैं जॉब छोड़कर जाऊंगा, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, तो वो गाड़ी मैंने वापस करके जानी है, तो इसको कहते हैं इजारा। या कोई भी आपने एसेट वापस करके जाना है तो वो इजारा है। घर मिला हुआ है, जब तक आप जॉब कर रहे हैं घर आपका है, जब घर जॉब छोड़ेंगे तो घर वापस करना पड़ेगा, ये इजारा है। और गवर्नमेंट को मैं थोड़ा सा रेंट देता रहूंगा उसका। अगर तो वो घर एंड पर मेरा हो जाता है, या वो गाड़ी किस्तें अदा करने के बाद एंड पे मेरी हो जाती है, 5 साल की किस्तें अदा की हैं और वो गाड़ी मेरी हो गई, तो ये इजारा व इकतना है, दोनों में फर्क है। इजारा में हम रेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, लीज कर रहे होते हैं, और इजारा व इकतना में हम एंड पे ऑनर बन जाते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं, सिर्फ दो दो लाइनें लिखनी है, दो से ज्यादा लाइनें नहीं लिखनी, क्योंकि यहाँ पर इस्लामियात शुरू हो जानी है। इस वजह से बेहतर है कि हमने सिर्फ दो लाइनें लिखनी है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, जितना लिखा है सिर्फ उतना ही याद करना है आपने। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने हाईलाइट आपको पीडीएफ भी बाद में सेंड करना है। तो जितना ये लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही आप लोगों ने पढ़ना है बस। बस इतना हम लोगों ने याद करना है, यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुदारबा मुराबिया ये डिफरेंट है। मुदारबा में वो बंदा पार्टनर होता है, मुराबे में वो बंदा पार्टनर नहीं है। मुराबे में सिर्फ वो मुझे मशीनरी दे रहा है, रेंट के तौर पर दे रहा है, मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, बस ये चीज है। मुदारबा में वो ऑनर है, वो मेरे साथ पार्टनर है। होता है बेटा, प्रैक्टिकली बैंक में सारे चल रहे होते हैं, लेकिन अभी हमारा ना बैंक से नो हाउ है नहीं, बैंक से हमारा वास्ता नहीं है, तो इसलिए बैंक में हर चीज चल रही है। पाकिस्तान में ये पांचों चीजें हैं, टोटल 13 चीजें होती हैं, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की टोटल 13 चीजें हैं। प्रॉफिट नहीं कहते इसको, सर्विस चार्जेस कहते हैं, होता वही है बेसिकली, प्रॉफिट ही होता है, लेकिन वो सर्विस चार्जेस का नाम दे रहा होता है। जैसे अक्सर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप किसी को टिप देते हैं, तो जो छोटे रेस्टोरेंट है उसको टिप कहते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में उसको सर्विस चार्जेस कहा जाता है। तो बेसिकली ये सर्विस चार्जेस यहाँ पर नाम दिया जाता है, प्रॉफिट का नाम नहीं इसको दिया जाता, क्योंकि अगर प्रॉफिट का नाम देंगे तो फिर ये इंटरेस्ट होगा, और प्रॉफिट का मतलब है सिर्फ मुनाफा होगा, लेकिन अगर वो कारोबार में आपका पार्टनर है तो नुकसान भी तो हो सकता है ना, इसलिए उसको सर्विस चार्जेस का नाम दे रहे होते हैं, कि इसमें फायदा भी हो सकता है और इसमें नुकसान भी हो सकता है। इस जरिए ये चीज़ इस्लाम में वैलिड हो जाती है। इंटरेस्ट का मकसद यही होता है कि सिर्फ फायदा होगा, पार्टनर का मतलब यह है कि फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। ठीक हो गया बेटा? अब ये पूरा चैप्टर वन हम लोगों ने कंप्लीट किया, पूरा चैप्टर वन हम लोगों ने कंप्लीट किया। चैप्टर टू इंशाल्लाह हम लोगों ने कल से शुरू करना है। अब मैंने एक काम करना है, मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों से करवानी है। अभी चैप्टर वन में अब हर चीज़ हम करने लगे हैं, अभी क्वेश्चन बैंक भी देखते हैं, पास पेपर के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ मैं ब्रेक दे रहा हूँ 10 मिनट का, 12 हुए हैं, 4:12 हुए हैं, ठीक है? तो आपने 4:20 पर आ जाना है, 8 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जिसने नमाज पढ़नी है पढ़ ले। 4:15 हुए हैं तकरीबन, तो आपने 8 मिनट बाद 4:20 पर आप आ जाएं, जल्दी आ जाएं, ठीक है? ब्रेक है नमाज का, नमाज पढ़ लें और जल्दी आ जाएं।
जी बेटा, अब हम पास पेपर के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको ये आइडिया होगा कि इसमें क्या करना है, कैसे पेपर में सवाल आता है, कैसे नहीं आता। तो ये ग्रोथ के हवाले से उसने डिस्कस किया हुआ है कि क्या ग्रो, अच्छा सॉरी, पहले मैं बता दूं बच्चे का कि ग्रोथ करनी है। नहीं बेटा, ग्रोथ वाला सवाल नहीं करना उसमें। तो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स शुरू होते हैं ऑटम 14 से, हर साल दो पेपर होते हैं ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था, सबसे पहले जो ऑटम 14 में क्वेश्चन आया हुआ है वो ये आया हुआ है, ब्रीफली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स बता दें। तो सीधे सीधे फीचर्स हम लोगों ने उसको मेंशन करने थे। ये एक बच्चे ने फाइल बनाई है, उसी के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर रहे हैं। मकसद हमारा काम है ये है कि हमने पास्ट पेपर देखने हैं, फाइल जिसने मर्जी डेवलप की है उसके हवाले से। अब ये एक तो ये चीज़ है कि अगर तो फीचर पूछेगा, आप ये देखें, पॉइंट नोट करना है आपने, 7 नंबर का सवाल है, 7 नंबर का सवाल है, सॉरी 8 नंबर का सवाल है। तो 8 नंबर के सवाल के लिए ये मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, 8 नंबर के सवाल के लिए आपको 8 पॉइंट लाजमी लिखने हैं। अब ये देखें बच्चे गलती वाला क्या करते हैं, उसने सीधा सीधी बात की है कि जी फीचर लिख दें। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी सबसे पहले इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं करना, टू दी पॉइंट डिस्कशन, जो पूछा है बस 2-3 लाइनों में खत्म कर दिया। एक हाइडिंग है 2 लाइनें, एक हाइडिंग है 2 लाइनें। कि जिन बच्चों को ये मसला था कि सर पेपर में हमने लिखना कितना है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इतना सोल्यूशन आप लोगों ने पेपर में अटेम्प्ट करना है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट है। फिर ये क्वेश्चन उसने को क्या पूछा हुआ है, वो कहता है स्प्रिंग 15 का पेपर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, पहले नंबर पे उसने पूछा हुआ है। व्हाट का वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब है डेफिनेशन लिखनी है, किसकी, पीपीसी की डेफिनेशन वो पूछ रहा है। उसके बाद क्या कहता है, व्हाई इज पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव टू द ओरिजिन, 4 नंबर का। इसका मतलब है इसमें फीचर भी लिखने हैं, एक फीचर है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पहला फीचर, दूसरा फीचर है वो कनकेव टू द ओरिजिन होता है। जो जो वो कहता जाएगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। अब अभी आपने सोल्यूशन नहीं देखा, अभी आपने सोल्यूशन ही देखा, तो पहले नंबर पे आप ये देखें पीपीसी की डेफिनेशन होगी, दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि डाउनवर्ड स्लोप होगा और कनकेव टू द ओरिजिन होगा। ये दो बातें आपने देखनी है, ये दो बातें आपने डिस्कस करनी है, ठीक हो गया। आप देखें पीपीसी की डेफिनेशन लिखी है उसने, कोई डायग्राम कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, उसने रिक्वायर्ड ही नहीं किया, अगर वो कहता तो हम जरूर बनाते हैं। उसके बाद देखें सिर्फ उसने 2 रीजंस लिख दिए हैं कि पीपीसी क्या होता है, पीपीसी क्यों डाउनवर्ड होता है और कनकेव क्यों होता है। ये मैं कह रहा हूँ कि आपने टू दी पॉइंट डिस्कशन करनी है बस। फिर अगला पॉइंट देखें, अंडर व्हाट कंडीशन वुड पीपीसी शिफ्ट आउटवर्ड, 3 नंबर का सवाल था, उसने शिफ्टिंग पूछी है कौन सी, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्टिंग पूछी है, तो कहता है सिर्फ राइटवर्ड शिफ्टिंग बता दो। तो उसने कोई डायग्राम नहीं बनाई, ये आई कैप के सोल्यूशन है, जितना वो पूछ रहा है टू दी पॉइंट लिखना है बस। आपने बुलेट फॉर्म में लिखते हैं, नंबरिंग फॉर्म में लिखते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद एग्जामिनर कमेंट है नीचे। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑटम 15 का पेपर था, ऑटम 15 के पेपर में क्या है, अब ये जरा स्टोरी पढ़ें। वो कहता है इन व्यू ऑफ द स्केयरसिटी ऑफ मीन्स एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंड्स, आपके यहाँ मसला है स्केयरसिटी का, ख्वाहिशात ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है। एंड्स कहते हैं रिसोर्सेज को, वसाइल को। कहता है इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये बात हमें पता है। इन मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज, ठीक है, आगे वो क्या कहता है, ब्रीफली डिस्कस, असल सवाल यहां से शुरू हो रहा है, इतना ब्रीफली डिस्कस हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। अब रिसोर्स एलोकेशन का सवाल आएगा तो मैंने क्या कहा था, आपने वो 3 सवालों का जवाब देना है, वो 3 सवालों का जवाब देना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन वो किस में पूछ रहा है, उसने दोनों सवालों को मिक्स कर दिया, कहता है डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब ये डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम कौन से होते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन से होते हैं, अगर आपको याद हो तो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम 3 किस्म के भी हमने पढ़े हैं, प्लैंड इकोनॉमी, फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो तीनों के हिसाब से आपने बताना है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्लैंड इकोनॉमी में कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट, स्टेट। इसी तरह प्लैंड इकोनॉमी के बाद अगर हम देखेंगे तो हम कहते हैं हाउ टू, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में कौन डिसाइड करेगा, फ्री मार्केट में कौन डिसाइड करेगा, फ्री मार्केट में डिसाइड करेगा
प्राइवेट सेक्टर, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करेंगी। फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन कौन है मार्केट इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में। तो नीचे कमेंट देखें, आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट सिस्टम की 0.75 है और 1.75 मार्क्स की उसकी हर सिस्टम की डिस्कशन है। तो ये उसने बताया हुआ बस, ठीक है। तो ज्यादा लंबा चौड़ा कितनी लाइन लिख दी है उसने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हालांकि हमने अच्छा खासा लेंथी सवाल पढ़ा था, लेकिन 6 नंबर का था, तो इसका मतलब है आपने हर पॉइंट दो दो नंबर के लिए लिखना है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है, क्या चीज नहीं लिखनी, लिखना तो हर बच्चे को आता है, क्या नहीं लिखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये चैप्टर वाइज पास पेपर मैं शेयर कर देता हूँ बेटा आप लोगों से। अच्छा, फिर है फ्री मार्केट इकोनॉमी परमिट्स प्राइवेट ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउएवर इट इज आर्ग्यूड दैट इट इज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीक इकोनॉमिक एजेंट बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट हैज टू इंटरवेंट इन कंट्रोल एंड रेगुलेट द इकोनॉमी। अच्छा, यहां तक सवाल का कोई काम नहीं है, इतना सवाल डिलीट कर दें, कोई काम नहीं है इसका, ये सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहां से सवाल शुरू हो रहा है असल में। हाईलाइट अबव एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, सादी सी बात है, उसने रोल ऑफ गवर्नमेंट पूछा हुआ है। ऐसे इतनी लंबी छोटी स्टोरी सुनाई हुई है ताकि बच्चा परेशान, अब बच्चे पढ़ते जाते हैं वो कहते हैं इतना लंबा सवाल है इसमें ज्यादा सारा लिखना है। तो उन्होंने प्राइवेट ऑनरशिप भी लिख दिया, उसके फीचर भी लिख दिए, उसके ड्रॉबैक्स भी लिख दिए। तो ये नहीं, इससे सादी सी बात है, ब्रीफली इन द लाइट ऑफ एक्सप्लेन व्हाट, यहाँ से सवाल शुरू होता है। तो इन द लाइट ऑफ अबव एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी, सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी का आपने सिस्टम लिखना था, उसके रोल गवर्नमेंट का। तो देखें 6 नंबर का था तो 6 पॉइंट लिखने थे, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, दूसरे नंबर पे फिर देख लें टोटल उसने 4 पॉइंट जो है वो मेंशन किए हैं, टोटल उसने 4 पॉइंट हैं जो मेंशन किए हैं, ये आई कैप के अल्फाज हैं। ठीक हो गया बेटा, तो जितना उसने पूछा सिर्फ उतना ही लिखना है, उसे आगे हमने तजावज नहीं करना। ऑटम 16 के पेपर में फिर ये सवाल रिपीट हुआ है, ये सवाल 3 मरतबा रिपीट हुआ है पीपीसी वाला, इसीलिए मैंने इसका स्केच भी बनाया है, इसके मैंने नोट्स भी दिए हैं आपको। पीपीसी क्या होता है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का वर्ड जब भी आएगा, व्हाट का वर्ड जब भी आएगा तो डेफिनेशन लिखनी है। पीपीसी क्या होता है, डायग्राम। अब उसने खुद कह दिया जी डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम से बताओ, तो डायग्राम से, क्योंकि 7 नंबर का सवाल है तो पहले नंबर पे हमने डेफिनेशन लिख दी है। अब देखो ये डेफिनेशन है, उसने हेडिंग नहीं डाली लेकिन लिखा सारा कुछ वही है, डायग्राम है। और इसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर सकते हैं, वो एक्सप्लेनेशन कह दें या आप इसके फीचर्स कह दें, नीचे उसके बाद उसने एक एग्जांपल दे दी है। ठीक है, तो बहरहाल आपने खुद सोचना है कि कितने नंबर का सवाल है तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, इसीलिए पास पेपर बनाए हुए हैं, जो पास पेपर रिकमेंडेशन होती हैं, पास पेपर सेंड किए होते हैं आई कैप ने, कि बच्चों को ये पता चल जाए सवाल है कितना और कितना लिखना है पेपर में आप लोगों ने। ऑटम 16, briefly discuss how the concept of PPC is useful explaining the economic concept of scarcity. PPC का scarcity के साथ क्या relation है? PPC का scarcity के साथ क्या relation है? सबसे ज्यादा सवाल आपने इसके बारे में मेरे से पूछे थे, opportunity cost, कि PPC का क्या relation है scarcity में। तो basically scarcity का मतलब यही होता है कि PPC में हम क्यों bundle shift करते हैं, opportunity cost की वजह से, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। तो सादे अल्फाज में उसने आपसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा हुआ है, तो जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अलग से सवाल भी मेंशन है, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अलग से एक सवाल भी मेंशन है, वो आपने जरूर देख लेना है। उसके बाद है ऑटम 17, स्प्रिंग 17, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक दफा पेपर में आया हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेकिन कौन से पेपर में, स्प्रिंग 17 के पेपर में, इसका मतलब है इस अटेम्प्ट में आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने लिखा था कि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, बस डेफिनेशन लिख दी, ये जरा स्टोरी पढ़ें। व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ स्कूल, जैसे स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है, तो स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में ये सारे फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, लैंड इस्तेमाल हो रहा है, लैंड इस्तेमाल हो रहा है, देखें स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो प्लेग्राउंड है, जो असेंबली हॉल है, वो लैंड है, जितने भी वहां पर लेबर रखे हुए हैं, बेशक वो टीचर हैं, बेशक वो स्टाफ है, बेशक वो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो सारी लेबर है, जितना भी वहां पे लाइब्रेरी है, बुक्स हैं, स्टेशनरी है, कंप्यूटर्स हैं, ये सारा कैपिटल है।
और ये सारे काम कर कौन रहा है? जो वहां का प्रिंसिपल होगा, जो इधर का सीईओ होगा। तो जैसे हमारे यहाँ जो भी सीईओ है स्कैंस का, वो इसको मैनेज करता है हर चीज को। तो उसने कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और स्कूल के हिसाब से उसकी डेफिनेशन लिखे हैं। तो ये देखें सवाल उसने मोल्ड किया हुआ है, सवाल को उसने चेंज किया हुआ है। ठीक हो गया, याद रहेगी बात। आगे चलते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब एनी फोर फीचर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने कहा था एक सवाल उधर से आता है, एक सवाल उधर से आता है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर लिख दें। तो ये दूसरी मर्तबा उसने जो है वो रिवाइज किया हुआ है सवाल। उसके बाद आ जाते हैं हम, ऑटम 17 का पेपर है, ऑटम 17 का पेपर है। एक मिनट, अच्छा ऑटम 17 का पेपर है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अफेक्ट्स डिफरेंट एजेंट्स, जो आप लोगों ने चार एजेंट पढ़े थे, विद इन एन इकोनॉमी इन डिफरेंट वेज। डिफाइन थ्री मेन टाइप्स ऑफ सच एजेंट इन एन ओपन इकोनॉमी। अब ये ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, ये जरा समझ लें। अब ये जरा समझ लें, एक होती है क्लोज इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज इकोनॉमी में तीन लोग होते हैं, हाउस होल्ड जिसको आप कंज्यूमर कहते हैं, इधर भी वो होते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सी होती हैं, फर्म्स, इसमें भी होती हैं फर्म्स, इसमें होती है गवर्नमेंट, तीसरे नंबर पे इसमें भी गवर्नमेंट होती है। लेकिन अगर वो कहता है ना क्लोज इकोनॉमी, तो क्लोज इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेडर नहीं होते, लेकिन ओपन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेडर होते हैं। तो वो कहता है इन चारों में से कोई तीन लिख दो। तो हालांकि वो सिंपल भी कह सकता था चार एजेंट लिख दो, लेकिन बच्चे परेशान हो गए कि ओपन इकोनॉमी कह दिया, तो ओपन इकोनॉमी के तो कोई और ही होते होंगे। तो ओपन इकोनॉमी का मतलब ये होता है जिसमें ट्रेड होती है। ओपन का मतलब है आप अपने मुल्क से बाहर भी ट्रेड कर सकते हो। तो ओपन इकोनॉमी के चार एजेंट लिखने हैं, वो आपके सामने है कितना लिखा हुआ है। अब आपको कोई बातें कंसीडर हो रही हैं, समझ आ रही हैं कि आपने पेपर में लिखना कितना कितना है, क्या पूछा होगा, तो किस तरीके से आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है। लेकिन शर्त एक ही है, बात एक ही है, अगर नोट्स बनाए होंगे तो। नोट्स नहीं ना बनाए तो किताब देख कर आपको नहीं समझ लगनी कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। इसलिए नोट्स बने होंगे तो पता चलेगा यार, ये हाउस होल्ड की तो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, फर्म्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी हुई है, अब लिखेंगे क्या नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे यार हाउस होल्ड की डेफिनेशन तो लिखी हुई है, ये तो वही है, लिख लेंगे। इसलिए नोट्स बनाएंगे, एक दफा सारी चीजें आपके अपने हाथ से गुजरी होंगी तो आप खुद ही आसानी से उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, उसको अटेम्प्ट करना काम होता है, उसका तरीका बनाना काम होता है। जैसे आप देख लें, जहां हम खाना खाने जाते हैं तो मोस्टली ज्यादातर यूज किया जाता है ना चिकन, यूज किया जाता है, चलें चिकन कढ़ाई खाने जाते हैं। आप किसी की चिकन कढ़ाई का रेट जो है वो 750 है, किसी की चिकन कढ़ाई का रेट जो है वो 2000 है। फर्क क्या होता है? पकाने का स्टाइल, उसके मसाला जात, उसके इंग्रेडिएंट्स, चिकन वही होता है। इसी तरह सवाल वही होता है, हर बच्चे ने अटेम्प्ट करना होता है अपने तरीके से। अब जो आई कैप के बताए हुए तरीकों से अटेम्प्ट कर लेगा वो पास हो जाएगा, जो आई कैप के बताए हुए तरीकों से अटेम्प्ट नहीं करेगा वो फिर रह जाएगा, वो अगले अटेम्प्ट में अपियर होगा। इसलिए आपने एक पहली बात, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज उस वक्त आएगा जब आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो नॉलेज आएगा, उसके बगैर नहीं आ सकता कि आप रट्टा मार लें। जितना मर्जी आप पर रट्टा पक्का है, जितने अच्छे आप रट्टे लगा सकते हैं, लेकिन आप फिर भी रट्टा नहीं लगा सकते पूरी किताब का। इसके लिए नोट्स शर्त है, नोट्स नहीं बनेंगे तो आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते, आपको ये नहीं पता चलना सवाल पूछा कौन सा है उसने। तो इसलिए कुछ चीजें आपको साथ साथ मैनेज करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो बेटा फिर काम खराब रहेगा। ठीक हो गया?
जो चार टाइप लिखेगा तो वो चौथी को वैसे ही क्रॉस कर देगा। इसलिए मैंने शायद पहले दिन ही आपको एक बात समझाई थी कि बच्चे पास इस वजह से नहीं होते कि उन्होंने क्या लिखना था, बच्चे इस वजह से पास होते हैं या फेल होते हैं कि उन्होंने क्या नहीं लिखना था। तो एक्स्ट्रा नहीं लिखना, उसने सिर्फ समझाया हुआ है कि इसके अंदर से कोई सी तीन लिख दें, इसके अंदर से कोई सी तीन लिख दें, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये तो उसने सोल्यूशन बता दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है इसके जो मेन एजेंट हैं आप उनमें से कोई भी तीन ले सकते हैं। तो समझाने के लिए उसने चार दिए हमें, अदरवाइज हमने इसमें तीन ही जो है वो मेंशन करने थे। तो ये बेटा एक ऑटम 17 का पेपर देख लें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लैंड इकोनॉमी? प्लैंड इकोनॉमी क्या होती है? उसकी रिसोर्स एलोकेशन बता दें और तीन बेनिफिट्स बता दें प्लैंड इकोनॉमी के। सादा सा सवाल है और यही सवाल सेम टू सेम ऑटम उसमें नहीं बल्कि उसमें ड्रॉबैक्स पूछे थे। इसमें तो बेनिफिट है ना, उसमें ड्रॉबैक्स पूछे थे। तो प्लैंड इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि वाट का वर्ड आ गया, प्लैंड इकोनॉमी बता दी है। हाउ रिसोर्स एलोकेशन चॉइसेस आर मेड, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, दूसरी बात का जवाब दिया है, लेकिन कितनी लाइनों में दिया? तीन से चार लाइनों में। बेनिफिट ऑफ प्लैंड इकोनॉमी, बस स्टोरी खत्म हो गई। तो 5 नंबर के सवाल के लिए सफे नहीं भर देने। अक्सर ऐसे होते हैं हमें, अगर पेपर आता हो ना तब भी मसला हो जाता है। पेपर आता हो बच्चा इतना ज्यादा लिख देता है, आई क्या वैसे ही क्रॉस कर देता है कि यार इसमें कौन पढ़े। तो बहरहाल ज्यादा नहीं लिखना, टू दी पॉइंट आप लोगों ने लिखना है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ऑटम स्प्रिंग 18 का पेपर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपिटल फॉर्मेशन? ये मैं कह रहा हूँ पेपर में सवाल 2 दफा आया, एक इसमें आया है स्प्रिंग 18 में आया और एक आगे जाके भी आया हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, डिस्क्राइब 3 स्टेजेस। अच्छा 4 नंबर का सवाल आ गया, यही सवाल सेम यही सवाल ऑटम 2020 में आ चुका है, यानी जो पिछली अटेम्प्ट है, जो लास्ट अटेम्प्ट है उसमें ये सवाल आ चुका हुआ है। इसलिए मैंने कहा था इसके आने के चांसेस जो हैं वो कम है इस अटेम्प्ट के लिए, लेकिन एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझने से ताल्लुक रखता है। ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि आई कैप ने ना न्यूमेरिकल दे दिया था, इसका आई कैप ने न्यूमेरिकल दे दिया। आप जरा न्यूमेरिकल समझ लें मेरी बात। उसने दो गुड्स बताई हुई हैं, एक कंज्यूमर गुड्स हैं और एक कैपिटल गुड्स हैं। कहता है विद द हेल्प ऑफ अबव डाटा ड्रॉ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप पीपीसी बनाएं, पीपीसी प्लॉट करें, मुझे एक बात तो बताएं। व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है, ग्रुप में नहीं रिप्लाई करना, उधर जूम पे नहीं रिप्लाई करना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है। मुझे एक बात बताएं, एक्स एक्सिस पर हम कौन सी कमोडिटी रखेंगे, कंज्यूमर गुड्स के कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स के कैपिटल गुड, एक्स एक्सिस पर हमने कौन सी कमोडिटी रखनी है, कंज्यूमर गुड्स के कैपिटल गुड? व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है, वो उधर से मैंने बंद किया हुआ मैसेज। एक्स एक्सिस पर हमने कंज्यूमर गुड रखना है या कैपिटल गुड रखना है? जितने बच्चों ने कैपिटल गुड कहा है उसका लॉजिक क्या है? इंडिपेंडेंट, इसमें तो दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड ये तो कम्बिनेशन है, ये तो कम्बिनेशन है, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये कौन सी रिग्रेशन लाइन है कि पहला एक्स होगा दूसरा वाई होगा? इसका मतलब है लॉजिक किसी के पास नहीं है, ऐसे ही है। हाँ ये कुछ किसी हद तक समझ आई है बात मुझे। जो चीजों में, जिन चीजों में इजाफा हो रहा होता है, जिस चीज में इजाफा हो रहा होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आती हैं, ये बात याद रखनी है। जिस चीज में इजाफा हो रहा होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर रखने हैं आपने। कुछ बच्चों ने इंक्रीजिंग लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था सारे बच्चे बताएं जरा मुझे, इसलिए मैं पूछ रहा था बार बार। तो जितनी चीजों में इजाफा, आप देखें कैपिटल गुड में इजाफा हो रहा है, जिस चीज में इंक्रीज आता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आती है, तो कैपिटल गुड इसलिए हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगी। और जो चीज फॉरगो कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद नहीं है, हमेशा लेफ्ट टू राइट आते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए जो वाई एक्सिस है उस पर हमेशा वो कमोडिटी रखते हैं जो फॉरगो कर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं। देखें जरा, इसलिए मैंने नीचे से स्क्रीन जरा थोड़ी सी अभी प्रॉपर नहीं शो की थी ताकि बच्चे खुद बताएं। आप जरा देखें, मैं आपसे शेयर करता हूं बेटा, ये देखें
उसने कैपिटल गुड एक्स एक्सिस पर रखी है क्योंकि वो गेनिंग कमोडिटी है, गेन कर रहा है, और कंज्यूमर गुड उसने वाई एक्सिस पर रखा है क्योंकि वो लॉस कर रहा है, उसको खो रहा है। अब उसने कहा क्या था, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्लॉट कर दें, ड्रॉ। तो हमने प्लॉट कर दिया। दूसरा सवाल इससे भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा पार्ट। वो कहता है ये बेसिकली उस कंट्री का नाम दे दिया वेरोट्रेनिया, हकीकत में कोई कंट्री नहीं है, बस एक्स वाई जी का नाम रख लें। आफ्टर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज इज करंटली प्रोड्यूसिंग 70 यूनिट। इस वक्त कौन से यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, कंज्यूमर गुड के 70 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, वो कंज्यूमर के 70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, वो इस वक्त यहाँ पर है, इस वक्त वो 70 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। वो कहता है व्हाट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी उस कंट्री की इन टर्म ऑफ कैपिटल गुड इफ दे डिसाइड टू प्रोड्यूस 50 मोर यूनिट्स, अगर वो 50 मजीद यूनिट प्रोड्यूस कर ले। ये जरा देखें कंज्यूमर गुड्स इस वक्त कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो, 70, 50 का इजाफा कर दें तो कितनी हो जाएंगी, 120। क्या कंज्यूमर गुड वाली टेबल में 120 है, 70 से 120 पर गया, 50 का इजाफा हुआ ना। वो पूछ क्या रहा है अपॉर्चुनिटी, अगर उसने 50 चीजें प्रोड्यूस की हैं तो उसने फॉरगोन क्या किया, उसने छोड़ा क्या है, लॉस क्या हुआ उसका, नुकसान किस चीज का हुआ, इस वक्त कितनी चीजें बना रहा था, 100, अब वो कितने बना रहा है, 60, तो नुकसान उसको कितने का हो गया, 40 यूनिट्स। अगर 50 का उसको फायदा हुआ था तो नुकसान कितने का होगा, 40 का, तो 50 यूनिट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 40 यूनिट्स ऑफ किसके, कैपिटल गुड के। पॉइंट क्लियर हुआ, तो उसने कहा था 50 यूनिट बना रहा है वो, 70 से 50 पे चले गए तो भी 120 हो गए, तो लॉस कितने का हुआ, 100 से 160 पर आ गए, 100 से 100, सॉरी 100 से 60 पर आ गए, तो इसका मतलब है नुकसान कितने का हुआ, 40 का। अगर वो 50 यूनिट मजीद बनाएगा ना कंज्यूमर गुड के, तो 40 यूनिट उसको छोड़ने पड़ेंगे कैपिटल गुड के। अगर वो 50 यूनिट बनाएगा कंज्यूमर गुड के तो 40 यूनिट उसको छोड़ने पड़ेंगे किसके, कैपिटल गुड के। ये उसका आंसर था क्योंकि ये उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछी हुई है। अगर आप एक बंडल से दूसरे बंडल पर जाते हो तो आपको क्या चीज़ फॉरगो करनी पड़ती है, क्या चीज़ आपको छोड़नी पड़ती है, तो ये वो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। वो जिस तरह भी पूछ लेगा उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। हाँ जी, ये रिवर्स है, ये रिवर्स है, तो बेसिकली तो उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछी हुई है ना, तो जो दो पॉइंट्स के दरमियान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमने बतानी थी। क्लियर? ऑटम 18, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, स्केयरसिटी होती है। वो कहता है हाउस होल्ड को भी सामना करना पड़ता है स्केयरसिटी का, फर्म्स को भी स्केयरसिटी का सामना करना पड़ता है, मार्केट इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट होती है उसको भी सामना करना पड़ता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक की जो गवर्नमेंट होती है उसको भी सामना करना पड़ता है, तो हर बंदे को सामना करना पड़ता है स्केयरसिटी का। दो दो लाइनों में आपने ये बात लिख देनी है बस, जैसे आपके सामने लिखी है। सोल्यूशन देखूंगा तो इसके अल्फाज भी पढ़ लीजिएगा, कोई मसला हुआ तो इसमें दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ना कितने किस्म के सवाल आते हैं, कुछ आते हैं सब्जेक्टिव, 15 आते हैं एमसीक्यूज, कुछ आते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सिर्फ दो होते हैं, दो से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते पेपर में, फिर कुछ आती हैं डायग्राम्स, डायग्राम गिवन होती है पेपर में, दी होती है और उसको वो कहते हैं एक्सप्लेन इट। ये वही सवाल है डायग्राम वाला। ये डायग्राम वाला सवाल है कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम को। पहले नंबर पे देखें, अगर आप बुक्स प्रोड्यूस करते हैं, आप एप्पल प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होगी, तो आपने सारे पॉइंट को बताना है बारी बारी। 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट उसने पूछे हुए हैं। पॉइंट जी क्या है, पॉइंट जी है अनअटेनेबल, इनफीरियर, सॉरी पॉइंट जी है इनफीरियर। पॉइंट एच क्या है, अनअटेनेबल, और एक्स वाई, एक्स वाई पे कितने पॉइंट है,
पॉइंट एक्स है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट वाई है, तो एक्स और वाई एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और ए और बी पर आप उसको बता देंगे वो बंडल है और उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कुछ ना कुछ हो सकती है। तो अल्फाज की शक्ल में आपने तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, पॉइंट जी एक लाइन में, पॉइंट एच एक लाइन में और कर्व एक्स वाई एक लाइन में, इस तरह करके आपको ये तीन नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, सीधे सीधी बात उसने कर दी है, रोल ऑफ गवर्नमेंट बता दें, किस अटेम्प्ट में पूछा है, स्प्रिंग 19 में, तो सादी सादी बातें हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये देखो कितनी भी दफ़ा सवाल आ रहा है, फोर्थ टाइम आ रहा है सवाल ये। पीपीसी क्या होता है, स्लोपिंग क्या होती है, ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दें। तो सिर्फ दो बातें हैं, पीपीसी डेफिनेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कनकेव टू द ओरिजिन है। फिर उसके बाद ये पेपर में सवाल आया मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, उसके ड्रॉबैक्स और फीचर बता दें, तो ये सवाल एक्सप्लेन, सीधा सीधा उसने कोई इसमें चक्कर नहीं चलाया। ये पिछली से पिछली अटेम्प्ट का सवाल है, स्प्रिंग 20 का, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर पूछ लिए हैं, क्योंकि चार नंबर का सवाल था तो चार ही लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने डिवीजन ऑफ लेबर वाला सवाल पूछ लिया है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो ये आई कैप में कुछ चीज़ें नई भी आ सकती हैं। डिसएडवांटेज का मतलब क्या, नुकसान, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, बंदा एक ही काम का मोहताज हो जाता है। मोनोटोनी का मतलब है कि बार बार एक ही काम करना पड़ता है, उकताहट हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से स्किल कम हो जाती है, वो बंदा ऑलराउंडर नहीं रहता, एक ही काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो ये बेटा टोटल थे उसके चैप्टर वन के, पिछली अटेम्प्ट का उसने सवाल नहीं दिया, मैं बता देता हूँ, ऑटम 2020 पहले चैप्टर से दो सवाल आए हैं, पहले चैप्टर से दो सवाल आए हैं, प्लैंड इकोनॉमी इसके ड्रॉबैक्स बता दें, दूसरा सवाल आया कैपिटल फॉर्मेशन, और उसकी स्टेजेस बता दें। ये दो सवाल पिछली अटेम्प्ट में आ चुके हैं, ये दो सवाल पिछली अटेम्प्ट में आ चुके हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों के पेपर में इस अटेम्प्ट में आने के चांसेस कम हैं। इसके अलावा पेपर में ज़रूर कुछ ना कुछ आ सकता है। कितने नंबर के आए हुए हैं ये नहीं बेटा, आपने कौन सा रोज़ रोज़ पूछ लेना है। मैं आपको पूरा पेपर सेंड कर रहा हूँ पिछली अटेम्प्ट का, पिछली अटेम्प्ट का मैं पूरा पेपर ही आपको सेंड कर रहा हूँ, ताकि आपके पास भी होना चाहिए ना कि पिछली अटेम्प्ट में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा, पेपर मैंने सेंड किया है अभी, ये रिसीव हो गया आप लोगों को, इसको ओपन करके देखें। पहला प्लैंड इकोनॉमी वाला सवाल आया चार नंबर का, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन वाला सवाल आया हुआ चार नंबर का, टोटल आठ नंबर का पेपर आया हुआ है पिछले अटेम्प्ट में इस पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर से कोई चीज़ वो छोड़ेगा नहीं, पहले चैप्टर से कोई भी चीज़ वो छोड़ेगा नहीं, हर चीज़ उसने लाजमी बारी बारी पूछनी ज़रूर है, डिस्कस ज़रूर करनी है। तो बेटा अब उम्मीद तो है मुझे कि आप लोगों के लिए कुछ मामला बेहतर हो गए होंगे, कुछ चीज़ें आपको समझ लगना शुरू हो गई होंगी कि कैसे कैसे आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं, कैसे कैसे के आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। दो चीज़ें मैं आपसे क्लियर कर दूं, आज पहला चैप्टर कंप्लीट है, पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जी आपने पहले पढ़ा हो ना, पहले पढ़ा हो फिर मसला कोई नहीं होता, अगर पहले आपने डिस्कस किया हुआ है तो फिर आपको मसला नहीं होगा यार, ये चीज़ सुनी हुई है, ये चीज़ आपने सुनी हुई है, तो इसको कैसे कैसे आप लोगों ने टैकल करना है। ये मैं पास पेपर भी आपको सेंड कर रहा हूँ, जो मैंने अभी सारे ओपन किए हुए थे ना, ये जिस बच्चे ने बनाए हैं वो उसने पिछले टाइम तक के कंप्लीट किए थे, कंपाइल किए थे, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। पेपर में चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी बिल्कुल आपके सामने है बेटा, पहले चैप्टर में से पहले आएगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवें से। ये बेटा आंसर वाला भी कर दिया नदीम, मैंने आंसर वाला भी आपको सेंड कर दिया, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है, इकोनॉमिक पास पेपर पूरी बुक ही है, तो इसलिए वो अपलोडिंग में टाइम लग रहा है, अभी दो से तीन मिनट में आपके पास आ जाएगी। सेंड भी जैसे मैंने दोनों कर दिए। अच्छा एक मैंने दूसरी फाइल आपसे शेयर की है, वो ज़रा ओपन करें, पीपीसी असाइनमेंट ओपन करें, ज़रा पीपीसी असाइनमेंट ओपन करें,
ये क्वेश्चन अब आपकी असाइनमेंट है, आपने कल का दिन वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने फास्ट ट्रैक उठाया है, आप लोगों ने फास्ट ट्रैक खुद चूज किया है। मेरी बात सुनो, स्कैम्स वाले आके आपके घर में इनविटेशन तो नहीं ना देने आए थे, सीए आपने खुद ही ऑप्ट किया ना कि जी हमने सीए पढ़ना है। अब सीए करना है तो बेटा उसके लिए सीरियस भी हो जाएंगे, बेशुमार चीजें आपको स्किप करनी पड़ेंगी, अपनी सोशल एक्टिविटीज छोड़नी पड़ेंगी। तो इसलिए कल का दिन वेस्ट नहीं करना। कल का दिन वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपका पहला चैप्टर गया, अभी पहला चैप्टर ताज़ा ताज़ा है, सारा पहला चैप्टर एक दफ़ा बैठ के रिवाइज कर लें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले नंबर पे तो आपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछे थे सवाल, तो इसका मतलब है उन्होंने नोट्स बनाए थे तो पूछे थे ना। अब जितने बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए अभी भी कंप्लीट कर लें, कुछ नहीं बिगड़ा, पहले चैप्टर के नोट्स बना लें, पहले चैप्टर के मैंने दी है ये आपने, फिर मैं बताऊंगा आपको। जो बच्चा मेरे से सवाल पूछेगा उसको मैं रिप्लाई करता जाऊंगा। ठीक हो गया। हर बच्चे को मैंने नहीं करवानी, जाहिर बात है यार, जो बंदा काम करेगा मैं भी उसके साथ काम करूंगा, उससे डबल काम करूंगा, लेकिन जो बच्चा चाह ही नहीं रहा काम करना, तो मैं हाथ पकड़ के तो नहीं ना उसका पेपर पास करवा सकता। तो इसलिए जितनी एफर्ट करेंगे उससे डबल एफर्ट मैं करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले एफर्ट आपने करनी है, पहले सॉल्व आपने करना है। सोल्यूशन मैं सारा करवा दूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन एक दफा आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मेरी तरफ से गलत सवाल कर लें, बेशक गलत कर लें, गलत करें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन करें जरूर। जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं बताऊंगा, बेटा मैं हाजिर हूं, मैंने तो कहा है मैं उन बच्चों के लिए डबल एफर्ट करता हूँ जो बच्चे थोड़ी सी एफर्ट करना खुद शुरू करते हैं, लेकिन जो बच्चे खुद नहीं करते बेटा उसके लिए फिर माजरत है। नोट्स चेक करवाएं, कोई मसला है मेरे से पूछें, मोस्ट वेलकम, मैं बताऊंगा। तो बेटा ये आज हम लोगों ने चैप्टर वन कंप्लीट किया। अब चैप्टर वन का टेस्ट बेसिकली जो टेस्ट होता है ना, वो ऐसे ही होता है जैसे मजदूर की उजरत है। उसने सारा महीना काम किया, सारे महीने बाद जब उसको उजरत मिलनी है, जब उसको पैसे मिलने हैं, जब उसको तनख्वाह मिलनी है, उस दिन वो छुट्टी कर गया तो फायदा, सारा महीना बेकार हो गया। इसी तरह जिस दिन टेस्ट है उस दिन अगर आपने छुट्टी कर ली, उस दिन अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि आपने पूरा चैप्टर बेकार हो गया, आपका सारी एफर्ट जाया पानी में चली गई। इसलिए पहले चैप्टर का जो टेस्ट है वो आपने ट्यूसडे वाले दिन मैं रख रहा हूँ। अब ट्यूसडे वाले दिन मैं टेस्ट रख रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट ऑनलाइन होगा, मैं आपको एक टाइम दूंगा, टाइम अभी मेरी मर्जी का होगा, वो टाइम नहीं मैं बता रहा अभी फिलहाल, टाइम मेरी मर्जी का होगा, वो टाइम मैं दे दूंगा आपको। और एग्जैक्ट टाइम है 1 घंटे का, 1 घंटे का एग्जैक्ट टाइम है। आपने स्क्रीनशॉट लेकर उसको अपलोड करना है, मैं आपको मेल भी बताऊंगा, हर चीज़ वो सारे इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, आपके पास पेपर व्हाट्सएप में पहुंच जाएगा। आपने खुद टाइम देखकर, अपने सामने टाइम देखकर सवाल को अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज भी होंगे, बीच में कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है, बीच में थ्योरी तो होगी, लाजमी बात है, पक्की बात है। इस तरीके से आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना है। ट्यूसडे को आपका पेपर है टेस्ट वन, क्योंकि जितने चैप्टर हैं जैसे जैसे टेस्ट खत्म होता जाएगा, मैंने पहले ही जिक्र किया था कि आपके सेक्शन में रिवीजन नहीं होनी, रिवीजन नहीं होनी, तो रिवीजन करेंगे आप खुद। जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ साथ ही आप लोगों ने उसका टेस्ट दे दिया। एमसीक्यूज भी होंगे, एमसीक्यूज के बाद न्यूमेरिकल भी होंगे। एमसीक्यूज यानी आपने खुद पेपर पे सॉल्व करना है, आपने कॉपी के 2 पेज निकाल लेने हैं, आपने उस पर सॉल्व करना है और उसके स्क्रीनशॉट लेकर फिर मुझे सेंड करने हैं। मैं एक आपको आईडी सेंड करूंगा, उस आईडी पर आपने मुझे मेल कर देना है। मार्किंग जैसी भी होगी बेटा आप करें तो सही ना, उसके बाद देखेंगे। मकसद है यार यहाँ पर फेल हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आई कैब में तो बच जाओगे ना, इज्जत रह जाएगी। इधर फेल हो गई इस टेस्ट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैं आपका लैपटॉप छीन लूंगा, क्या करूंगा मैं, कुछ भी नहीं कर सकता ना। मकसद है आपकी गलतियां पता चल जाएंगी। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको सोल्यूशन भी सेंड कर दिया जाए तो आपको ये पता चल जाए यार ये सवाल था तो ये सोल्यूशन होगा, लेकिन हर किसी इसका मतलब ये नहीं। यार फिजिकल तो आना है ना आप लोगों ने, मुझे बताओ जरा, फिजिकल तो आना है ना, काबू तो आओगे एक दफा, फिर कहाँ जाओगे, ठीक है। या तो फिर यही है कि इकोनॉमिक्स ड्रॉप करवा लोगे, काबू तो तुम्हें आना है उधर, ठीक है। इंशाल्लाह फर्स्ट को मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह। तो बहरहाल उस वक्त सारे टेस्ट मंगवाऊंगा आपसे कि बेटा टेस्ट तो लेके आओ ना जितने जितने किए हैं। तो मैंने कोई वही जिक्र किया है उन लोगों के लिए, मैं बिल्कुल भाइयों की तरह हाजिर हूँ जिन जो लोग काम करते हैं, लेकिन जो लोग काम नहीं करते उनको मैं जानता भी नहीं, कौन लोग हैं वो, कहाँ से आते हैं दुनिया में,
तो इसलिए जो काम कर रहे हैं मोस्ट वेलकम। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मंडे को आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।